Hey guys, this video is sponsored by Maverick Constructions and if you want to get your tax paid, contact Tab to Tax. और अगर जगह का मसला है, तो मूसा हाइट्स, you know the place. Let's go. अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे साथ पाकिस्तान PUBG मोबाइल ईस्पोर्ट्स कम्युनिटी की जानी मानी हस्ती हैं अबू बकर AKA गेमिंग पोर्टल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग मी। और इट्स अ प्लेयर के पहला ही जो बंदा आपकी पॉडकास्ट पे आ रहा है वो मैं हूं, सो आई होप सो अच्छा टाइम गुजरेगा भी आपके साथ आगे आने वाले टाइम में। वेल बेशक हम जरूर आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। तो पोर्टल, जैसे कि आपने बहुत अरसा कंट्रीब्यूट किया, इन्वेस्ट किया इनफैक्ट पाकिस्तान ईस्पोर्ट्स में, तो आप बताइए कि बैक स्टोरी क्या थी? आपने जो कंप्लीट ओवर द इयर्स स्टार्टिंग, एक होता ना कि सबका एक फर्स्ट स्टेप होता है, तो इसके पीछे की क्या कहानी थी? किसको देख के, किस वजह से, किसके साथ आपने स्टार्ट किया? खैर इसका जाता है, आप कह लें कि मेरे इंटर के टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं आप इसको, लाइक 2018 का जो एंड फेज है वहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी। जब मुझे एक्चुअली मिला था, मेरे मैट्रिक के मार्क्स के बाद मिला हुआ था मोबाइल, और ये भी एक खुशकिस्मती आप कह लें, गेम चेंजिंग थोड़ा सा मेरे लिए, एक जब आप चीज़ कह लें कि जो मार्क्स थे मेरे मैट्रिक के उसकी बेस पे घर वाले अगर फ़ोन नहीं मिले के देना चाहते थे या मुझे नहीं चाहते थे कि मेरे फ़ोन आए, तो जो रिलेटिव थे फूफो थी उन्होंने जो है मोबाइल गिफ्ट किया था। सो उस वजह से उस मोबाइल पे जाके जब मैं वीडियो देखता था लोगों की यूट्यूब पे, तो उस टाइम पे रिसेंटली 2018 में PUBG मोबाइल आई हुई थी। ओह यस, सो मार्च 2018 PUBG आई और मेरे पास मोबाइल भी था, और उस टाइम पे फिर कुछ क्रिएटर्स को देखना शुरू किया, लाइक उस टाइम पे इजू क्रिएटर थे बाहर के, यनरीक हो गए, ये दो क्रिएटर थे जिनको खास तौर पे मैंने देखना शुरू कर दिया था। सो PUBG मोबाइल खुद तो खास उस टाइम पे आइडिया नहीं था, लेकिन लोग देखते थे, क्यूरियोसिटी होती थी कि यार ये मतलब मजे की लग रही है, गेम खेलनी चाहिए। तो खैर वो मोबाइल 2GB का मोबाइल था, 2GB और 16GB वाला फोन था, सो दैट्स व्हाई खास गेम चलती नहीं थी स्मूथ। उस टाइम पे आई थिंक हाई तक जाती होगी, मीडियम तक जाती होगी, लेकिन खैर उस मोबाइल पे पहले खेलना स्टार्ट कर दी गेम। देन उसके बाद फिर जो है वो थोड़ा सा शौक इस तरह बढ़ गया कि जब बाकी लोगों को स्ट्रीम करते हुए देखा, तो फिर ये चीज देन में आने लग पड़ी कि यार ये लोग स्ट्रीम भी करते हैं, स्ट्रीम कैसे हो सकती है? अब स्ट्रीम का मोबाइल पे तो आप कर नहीं सकते थे क्योंकि मोबाइल इतना था भी नहीं उस तरह से, और ना मोबाइल पे इतना ज्यादा उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट पाया जाता था कि आप स्ट्रीम मोबाइल से कर सकते हो। और जो लोग करते थे उनके पास देखते थे किसी के पास ये वाला ग्राफिक्स कार्ड लगा है, उसके पीसी में ये प्रोसेसर लगा हुआ है, ये ओवरलेज आ रही है, सब कुछ ETC, तो बहुत प्यारा लग रहा होता था। तो खैर उस चक्कर में उस चीज को जब फॉलो करना शुरू किया, तो फिर दिल करता था अपना कंप्यूटर बनवाने, लेकिन उस टाइम पे कंप्यूटर बनवाने का जो था वो बहुत ही इम्पॉसिबल एक चीज नजर आती थी, क्योंकि 2018 के टाइम पे बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे जो कंप्यूटर था मेरे पास दैट वाज लाइक जिसमें GTA Vice City चलती थी, टेकन 3 चलती थी, जो बेसिक गेम जो हर किसी ने ऑलमोस्ट खेली होंगी, सो वो गेम में खेलते थे हम लोग। एंड देन अचानक से ही, जब जाहिर आप डिमांड रखो या आप देख दूसरे किसी को देख के घर वालों को बोलो मुझे कोई 35,000 का कंप्यूटर चाहिए, मुझे कितने हजार का कंप्यूटर चाहिए, वो कहते हैं बच्चा पागल हो गया, इसको पैसे जाया करवाने हैं, इसी को देख देख के, हाँ ये जस्ट जो है ना टाइम वेस्ट करने वाली बात है, पैसे जाया करने वाली बात है, सो कोई इंटरेस्ट नहीं जो है वो शो करते थे। लेकिन यार उस टाइम पे जो है अच्छी जो चीज मेरे लिए हुई वो ये हुई कि घर वालों ने चलो ना सही, लेकिन अबू के एक दोस्त थे, तो उन्होंने जब देखा कि थोड़ा सा इसको शौक है, और उन्होंने जब बात वगैरह हुई तो उन्होंने कहा कि अगर तो आपको इतना है पैशन और अगर आपको लगता है कि कुछ कर पाओगे, तो चलो मैं आपको जो है ना आपको जो ले देता हूँ। अबू से ने बोला कि कंप्यूटर बनवा देते हैं, हाँ कंप्यूटर बनवा देते हैं आपको, लेकिन आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा। ओह नहीं, आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे खैर हम चले गए मार्केट, सोच के गए थे कोई 30,000 मैक्स 30 से 35,000 में बहुत अच्छा PC आ जाएगा, बहुत ही कोई आखिर लेवल की स्ट्रीमिंग होगी इस पे। लेकिन जब मार्केट पहुंचे,
तो जो स्पेक्स एक दोस्त से मैं सुन के गया था कि आपको इतने बजट में मिल जाएगा, वो स्पेक्स पता लगा कि यूज में भी 70,000 तक बजट जा ओ इतना जाएगा। ज्यादा इतने शॉर्ट टाइम में यस 70,000 डायरेक्ट। सो जब 70,000 सुना तब तो हम वहीं पे रुक गए कि यार 70,000 इतना महंगा एपीसी जो है वो, अब तो घर जाना पड़ेगा, बस फायदा नहीं टाइम है। आ गया वक्त आ गया हाँ अभी ये शुरू होने से पहले खत्म खत्म। हो गए, सो रहने देते हैं, फायदा नहीं है। बोला नहीं कोई बात नहीं है, खैर है, आपको यही चाहिए तो आप यही लो। अच्छा ये उन्होंने बोला ये चीज हाँ बहुत बड़ी बात है। ये चाहिए तो यही लो आप। मैं कहते चले ठीक है, थोड़ा सोचा आपने, बात करा कि अब मुझे फोन कॉल करके, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है ले 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 लो। जब लेके आए जाहिर है फिर वो वहां से ही स्टार्ट हुआ, लेकिन आगे का खैर जो मेन आगे उसको यूज करना स्टार्ट किया, दैट वाज मेनली 2019 जनवरी जब ये मेरा पीसी रेडी हुआ था। सो 2019 जनवरी से पीसी जर्नी स्टार्ट हुई थी, एंड उसके बाद 2019 के एंड में जाके दिसंबर में मैंने पहला टूर्नामेंट अपना करवाया था। एंड उसके दौरान ये जो 2019 जनवरी और दिसंबर तक जो सफर था, ये ऐसा चल रहा था कि इस टाइम के दौरान मैं चैनल पे कोई भी रैंडम ऐसे जो है कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट हो चुका था। कुछ दरमियान में अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती थी तो किसी का भी कोई इवेंट आता था, जस्ट क्योंकि थोड़ा सा शौक सा था तो कोई पता नहीं था एक कमेंट्री वगैरह का क्या सीन, ऐसे पैसे मिलते हैं यूटीसी ऑल दैट, जैसे कोई बोलता था तो हम ही बता देता था। हाँ यार चलो ठीक है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया उस टाइम जाहिर काफी होता था। बहुत ज्यादा होते यस थे तो उस टाइम एक वो भी दरमियान में कैसा इवेंट सा था जो लगा कि यार मजा आएगा चलो करके देखते हैं, छोटा सा था 1 से 2 दिन का, कोई जाहिर है जिस टाइम मैं बता रहा हूँ कोई पैसे नहीं मिलते थे, कुछ भी नहीं था, ना मैं कास्टर था उस टाइम पे, बस एक शौक शौक को लेके। तो वो खैर कर लिया, फिर जाके इस तरह से जो भी आते थे जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है चलने दो सब कुछ, बस एक टाइम जाना कोई बात नहीं, इस टाइम को जाना निकालना। फिर देन जा खैर जाके दिसंबर 2019 में अपना फर्स्ट टूर्नामेंट किया था। तो फर्स्ट टूर्नामेंट वाज लाइक कि उसमें इस टाइम की पाकिस्तान की आप कह लें कि जो 1 से 2 नाम है वो उस टाइम पे उसमें खेले थे, बड़ी टीमें जो होती हैं उस जो टाइम की, जो इस टाइम पे नॉन टीम्स क्या हैं बात है। वो उस टाइम पे खेले थे, ना मुझे ज्यादा को लोग जानते थे ना मैं उनको जानता ऐसे ही था। होगा स्टार्टिंग में। हाँ तो वो बस जो है रेंडमली आए, उनके साथ थोड़ा बातचीत हुई, सारा इवेंट में खुद मैंने मैनेज किया, ग्राफिक्स मैनेजमेंट स्ट्रीमिंग एवरी सिंगल थिंग 100% खुद ब खुद सब कुछ कर रहा था मैं। तो उसका खैर उस दौरान ये भी हुआ, ये भी फेज आया था कि जो सर्दियों के दिन थे जाहिर है तो मेरी जो उंगलियां थी पाँव की वो उसको मैनेज करते करते उन दिनों में सूज गई थी मेरी पाँव की उंगलियां। सो एट दैट टाइम इवन ऐसा फेज भी था मैं स्ट्रीम कर रहा था और मैंने कहा यार क्या फायदा है स्ट्रीम इसको करने का, कि मैं कर रहा हूँ बैठ के ना कोई वॉचिंग खास आ रही है ना कोई लोग ये सारी सपोर्ट स्ट्रगल्स कर हैं, रहे अर्ली हैं। स्ट्रगल्स। तो मतलब मैं अपना जो है उल्टा इवन यहाँ तक था कि रोना तक आ रहा था कि यार ये आपको खुद बुरा लगता था उस टाइम हाँ पे। बुरा लग रहा था कि मैं इतना इसका एफर्ट कर रहा हूँ लेकिन क्या फायदा इस चीज का ना, कि अपने ही अपने आप को दर्द में डाला हुआ है। लेकिन खैर वो टाइम भी था और वो टाइम फेज भी फिर निकला 2019 से निकल कर दिसंबर 2019 से वो जनवरी तक वो एंड हो गया, 2020 में दाखिल हुए। तो उसके बाद फिर फाइनली उस चीज को देखने के बाद कुछ लोगों का फीडबैक आया, कुछ लोगों ने बोला कि आप कास्टिंग कर सकते हो, आपको मेहनत करना चाहिए थोड़ा सा और इम्प्रूव करोगे तो आप कमेंट्री वगैरह कर लोगे। सो दिस इज हाउ की जर्नी वो स्टार्ट हुई थी। वेल ये तो ऑब्वियसली अब हम देख रहे हैं कि आप एज अ कास्टर भी अपने आप को प्रोफेशनली इवॉल्व कर चुके हैं। जी तो जो स्टार्ट हुआ था शौक से, आपने अपना मोबाइल लिया था उसके बाद आपने पीसी बनाया, तो स्टार्टिंग में आपका माइंड में यही था कि आपको यूट्यूबर बनना है। यस यूट्यूबर से आपने फिर उसको कन्वर्ट किया इंटू कास्टिंग जो कि आपका पैशन बन चुका था ऑलमोस्ट। तो ये बताएं कि स्टार्टिंग में जब आपने पीसी बना लिया एंड उसमें ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि आपके पेरेंट्स देख रहे हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं मसरूफ है, जी उनकी क्या इस चीज हर चीजों पर रिएक्शन होते थे कि अगर किसी बच्चे को बुला रहे हैं खाने के लिए खाना साथ नहीं खा रहा है, इतना ज्यादा बंदा लगा हुआ होता है, तो अपनी फैमिली के आप बारे में जरा फीडबैक बताएं जब आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे इन सारी चीजों में। ये खैर वक्त के साथ साथ ही इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई थी, क्योंकि शुरुआत में तो जाहिर है ज्यादा ना काम है ना भी इतना ज्यादा पता था चीजों का, तो जितना पता था उतना ही टाइम दे पाते थे। सो इसको आप कह सकते हैं कि एट स्टार्टिंग में तो ऐसा इतना ज्यादा नहीं था। हाँ जाहिर है प्रेशर होता था, अब उनके पैसे लगवाए हैं तो उनको टेंशन थी कि पैसे भी वसूल हो किसी जाए के किसी ना किसी तरह। हाँ वसूल हो जाए, उधार के पैसे हैं किसी के पैसे हैं, 70,000 एट दैट टाइम ऑब्वियसली बहुत बड़ी अमाउंट बहुत होती है। बड़ी अमाउंट है, और वो भी डायरेक्ट आप उस बंदे के उस बच्चे के ऊपर जिसके पास पहले कुछ 4-5 हज़ार का पीसी है, डायरेक्ट 70,000 आप लेके चले गए और पता भी नहीं है कि एक 70,000 वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, वापस आना तो दूर की बात है। तो खैर लेकिन एक चीज जो सुनने को मिलती थी दरमियान में वो ये मिलती थी कि खुद तो अपना तो इसने बेड़ा अगर किया किया, दूसरों का भी कर दिया पबजी मोबाइल पे लगा के सबको, ये ताना मिलता था आपको हाँ घर से उस टाइम ये पे। तो अभी तक मतलब चर्चा चलती है, रिलेट किया जाता ऐसी है। चीजें हाँ ये रिलेट किया जाता है आज तक कि जो भी खानदान में कोई भी गेम खेल रहा होगा, कभी भी किसी के घर में कुछ भी हो जाएगा कि जो है ना बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा इसने खराब किया।
बिगड़ा हुआ है, ये लड़का बिगड़ा हुआ है घर में, जो दूसरों को भी पढ़ने नहीं देता है। हाँ, ये उस टाइम ये टैग आपके साथ लग चुका था। लग चुका था। तो खैर वो मेरे से बाद में जो है वो करते कराते भाइयों में भी, क्योंकि उन्होंने भी खेलना शुरू कर दिया, तो जाहिर है जब वो करते करते चीज बढ़ गई तो उन्होंने देखा कि ये तो वायरस की तरह फैलते चले जा रहे हैं, तो उसपे घर में थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो गए। उन्होंने बोला कि आपको जो है चाहिए कि आप अपने तक लिमिटेड रखो इसको, चलो आप कर रहे हो समझ में आता है, अभी आपको भी कुछ मिल तो रहा नहीं है, लेकिन कम से कम आपको ये चाहिए कि जो आपके छोटे भाई हैं आप उनका ख्याल करो, अभी वो क्लासेस उनकी बहुत छोटी हैं और आपका भी ये जो है वो आगे ऐसा फेज स्टार्ट होने वाला, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, नंबर्स चाहिए होंगे, तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। लेकिन यार वो भी बर्दाश्त, ये चीजें भी की, सुनने को लगातार मिलती रही, ताने वगैरह, ETC, जहां तक टाइम की बात थी, टाइम भी जाहिर है वक्त के साथ साथ 2020 में घर जाके थोड़ा ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया था, क्योंकि जाहिर है उसमें फिर जाके कुछ लोकल इवेंट्स आ गए थे, रुझान आ गया था, सही पे कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी, फिर उसके बाद मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन ने हायर भी कर लिया था मंथली बेसिस पे। ओ, 2020 के टाइम पे आप हायर? 2020 के टाइम पे, यस। एक साल के अंदर अंदर मतलब आपने अचीव कर लिया कुछ? यस, 2019 से लेके 2019 जैसे एंड हुआ, 2020 स्टार्ट हुआ, 2020 की आप कह सकते हैं कि प्रोबेबली मिड में जाके एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे हायर कर लिया था फॉर लाइक स्क्रिम्स, और उस टाइम पे खैर मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये क्या होता है और इसके कुछ पैसे भी मिलते हैं। अब मुझे जब उसने बोला कि आपको 5,000 रुपये मिलेंगे इस काम के करने के, तो मैंने कहा बड़ी सी बात है, तो पैसे भी मिलेंगे और क्या चाहिए, उस टाइम एक्सपेक्ट भी नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि वैसे तो फ्री में कर रहे थे तो अभी पैसे मिल जाएंगे और क्या चाहिए, चलो इसी बहाने घर वालों को भी थोड़ा सा पता लग जाएगा कि हाँ चलो कुछ ना कुछ इसको मिल रहा है। तो खैर वो 5,000 जो मिलना शुरू हुआ उससे थोड़ा सा घर वालों का भी बड़ा इंटरेस्ट बढ़ा कि हाँ चलो कुछ ना कुछ इसको जो है वो हो रहा है। एंड इवन इसके अलावा मेरा ऑल्दो ये पबजी मोबाइल को लेके, पबजी मोबाइल की जो कास्टिंग उसको लेके तो फर्स्ट ये इनकम थी 5,000 वाली, एक टूर्नामेंट्स या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन इसके अलावा एक और उसी टाइम के आसपास एक पेमेंट थी दैट वाज ऑफ 200 रुपीज, तो वो एक्चुअली मुझे मिली थी एक थंबनेल बनाने का। सो एक्चुअली यस कुछ ना कुछ चल रहा था, लाइक वो जब पीसी आया तो जाहिर है कभी यहाँ पे कभी वहां पे कुछ ना कुछ दरमियान में चल रहा था, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन हुए तो जाहिर है वहां से अपॉर्चुनिटी एक आया, उसके बाद दूसरा इवेंट किसी का आया, तीसरा आया, तो वो करते कराते फिर टाइम काफी ज्यादा मेरा होना शुरू हो गया था। एंड इवन ऐसे भी होता था कि दरमियान में जाके कोई भी इवेंट होता था, घर वालों ने कहीं जाना है और मैं जो कोई मेहमान आया है, मैं अपने कमरे में या जिस जगह पे कंप्यूटर पड़ा है बस वहां पे बिजी हूँ, कुछ पता नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एंड एवरी सिंगल थिंग बस अपना काम करना है, काम कर रहा हूँ और बाकी इसके अलावा कोई पता नहीं है, सबको आपने डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा दिया। तो खैर वो घर वालों का जो है इस चीज को भी देख के अभी जरा ज्यादा ही कट ऑफ हो रहा है, समझाते भी दरमियान में बाकी भी के जो है वो आपको इतना भी ज्यादा नहीं कर लेना चाहिए, ठीक है आपको अभी चलो मिलना भी शुरू हो गया है समझ में आ भी रहा है, लेकिन स्टिल कि आप उसको जो है वो इतना ज्यादा ही बैलेंस करो इस लाइफ को भी उस लाइफ को भी, उनकी तरफ से ये मशवरा आ रहे थे बिल्कुल, उस दोनों को दोनों चीजों का बैलेंस करो। तो खैर वो बैलेंस तो नजर कहीं भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जब एक साइड पे आपका पैशन है, आपका शौक अभी चल रहा है कि अभी मैंने कुछ खास अचीव नहीं किया है, और आप देख रहे हो कि कुछ कास्टर्स हैं, कुछ जो है वो अपॉर्चुनिटी इस तरह की भी इससे आगे निकल सकती है कि आप ऑफिशियल जो इवेंट्स है वो कास्ट कर सकते हो, तो जाहिर है वो एक गोल सा सेट भी होना शुरू हो गया था कि अब जो है वो खुद को उस साइड पे भी लेके जाना है, सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहना, खुद को रखना नहीं है वहां पे। तो 2020 खैर वो 2020 से TCW के साथ, लाइक जो उनका नाम था ऑर्गेनाइजेशन का, उनके साथ करते करते लोकल कुछ इवेंट्स, फिर उसके बाद वो एक जो ईयर था 2020 जाहिर स्टार्टिंग जो ब्रेक थ्रू हम बोलते हैं वो साबित हो गया, फिर उसके बाद उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुझे दरमियान में ये हो गया कि मेरे पास एक्चुअली बैकअप पे जो है बैकअप करने के लिए वो नहीं होता था, UPS नहीं था। ओ। और ये पाकिस्तान में आपको एक बहुत बड़ी सबसे बड़ा मसला ही है ये पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी। सो उस टाइम पे भी उनके साथ ही मिलके मैंने ये भी थोड़ा सा कर लिया, तो जाहिर वो चीजें एडअप होना स्टार्ट हो गई, सो हर वो जो एक फैक्टर था थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर कि कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, जब वो चीजें नजर आना शुरू हुई कि चीजें प्लस हो रही हैं, अब उम्मीद जाग रही है, ऐसा अपग्रेड हो रहे हैं, वो UPS खुद से जो है वो पैसे वगैरह उधर से मिलके वो बनाया, UPS का जो है सारा अपना बैकअप कर लिया, लाइट की टेंशन खत्म हो गई, फिर उसके बाद जो इंटरनेट का इशू था, इंटरनेट का लाइक मेरी वजह से इंटरनेट का घर में भी हुआ था कि एट द टाइम हम लोग ज्यादा इंटरनेट पर कोई फोकस करते भी नहीं थे, जो नॉर्मली फैमिलीज का होता भी है कि आपकी बेसिक नीड है लोकल कोई भी इंटरनेट आप पकड़ लो, सिम का इंटरनेट पकड़ लो, दैट्स इट। लेकिन मेरी वजह से ये हुआ कि जो क्योंकि मुझे चाहिए था स्ट्रीम के लिए इंटरनेट, सो जो भाई थे उनको भी जब
इंटरनेट जाहिर है वो इंटरनेट यूज कर रहे थे, सबके मजे चल रहे थे, फैमिली इंटरनेट हो गया, yes, फैमिली इंटरनेट हो गया, सो वो उस साइड पे भी चले गए। सो वो एक एक चीज है ना बेसिकली, ये वो स्टेप से कुछ छोटे छोटे करके, जिसके बाद एक जो है ना वो ट्रस्ट फैक्टर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बढ़ गया था फैमिली का। वेल चले, जैसे कि आपने बता रहे थे कि 2018 से 2020, yes. 2020 में आपकी क्या उम्र थी जब आपने अपना इंटर एंड मैट्रिक क्लियर कर लिया था? 2018 तक आप इसको कह सकते हैं मे बी लाइक 17 मतलब उस टाइम पे भी ये हो गया था कि ऑब्वियसली जब आप पास ऑन करते हो उसके बाद आप मजीद और अपनी एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो, yes. तो जब आपने उस चीज को होल्ड ऑन किया हुआ था, जब आपने अपने पैशन की तरफ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बनाने की कोशिश की, तो उस टाइम फैमिली ने आपको बिल्कुल नहीं रोका? क्योंकि हम देखते हैं कि अभी के टाइम पे भी, yes. पाकिस्तान जैसे मुल्क में काफी ज्यादा बच्चों को कहा जाता है कि पढ़ाई पे फोकस करो, ये आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, तो उस टाइम पे आपने अपने किस तरीके से पेरेंट्स को कन्विंस किया था इस चीज के लिए? इसका तो खैर मुझे कन्विंस करना तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई बात नजर नहीं आई, कोई वर्ड नहीं इसमें पाया जाएगा, क्योंकि मेरा एक्चुअली ऐसा सीन हो गया था दरमियान में कि मेरे मैट्रिक में नंबर आ गए थे अच्छे। ओ अच्छे आ गए मैट्रिक में, तो एक्सपेक्टेशंस हाई थी, बहुत हाई थी नंबरों को लेके, क्योंकि मैट्रिक में थे इट वाज 95% बोर्ड के, तो इस वजह से 95 जब बंदे के आ जाए तो उसके बाद फिर उम्मीदें यही होती है कि अब इसके आगे भी अच्छे ही होने चाहिए। पहली तो बात खैर ये चल रही थी कि जो घर वाले चाहते थे फील्ड वो मैं चूज कर नहीं रहा था, मैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा था, लाइक वो मेडिकल कह रहे थे, मैं कंप्यूटर साइड पे था जो कवर कर रहा था, वो कह रहे थे कि इसका क्या आगे कुछ फ्यूचर है, कुछ भी नहीं नजर आता और आप टाइम जाया करोगे अपना इसमें भी ना, तो फायदा नहीं है। तो पहले से ही चीजें ऑपोजिट चल रही थी, उनकी कोई मर्जी है मेरी कोई मर्जी चल रही है। लेकिन खैर मैट्रिक और इंटर का आप इस तरह से भी कह सकते हैं डिफरेंस हुआ कि जाके जब इंटर का रिजल्ट आया तो उस टाइम पे जहाँ पे पहले 95% थे, देन मैं गिर गया था 88 पे आई थिंक, तो 88-86 समथिंग लाइक दैट मैं उस पे जाके गिर गया। ये फॉल है लेकिन इतना भी बुरा फॉल नहीं जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं गिर गया। हाँ, लेकिन ये भी बहुत अच्छा फॉल, घर वालों की नजरों में बेसिकली ये था, वो तो होता ही, उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है कम भी है उनको लगता है बहुत ज्यादा ही बच्चा खराब हो गया पढ़ाई में, बच्चा बहुत ज्यादा खराब हो गया, सो उनको मुझे उस पर भी खैर सुनना पड़ा कि आपने जो है वो नंबर आपके पहले इतने ज्यादा थे अब क्यों कम, आप इतने कम क्यों हो गए। दूसरी वजह ये भी थी कि फर्स्ट ईयर के नंबर अच्छे थे, सेकंड ईयर में जैसे जैसे मैं इसमें ज्यादा बढ़ रहा था एक साइड इस साइड पे, वो जो मेरी स्टडी वाली साइड थी वो उतना ही ज्यादा गिरती जा रही थी, वो उतना ही ज्यादा वीक होती जा रही थी। एंड इवन पेपर्स के दिनों में जो इंटरेस्टिंग एक फैक्ट था वो ये भी था कि लाइक मैं अपना जो है रात को मोबाइल अगर लेके बैठा हूँ, मोबाइल मेरे पास होता था तो मैं अपना एक एक व्यू चेक कर रहा होता था, वीडियो अपलोड किया कोई तो उसका एक एक व्यू चेक कर रहा होता था, होती है बंदे को कब ज्यादा व्यूज हो रहे हैं, सुबह टाइम सुबह के लाइक जो है मेरा सुबह टाइम पेपर है और मैं रात को बैठा हूँ पढ़ नहीं रहा, लेकिन पढ़ाई के दौरान भी ख्याल आ रहे हैं व्यूज कितने बढ़ने होंगे, मोबाइल पकड़ लिया तब भी यही चल रहा है कि व्यूज कितने हो गए हैं, सो हर जगह पे एक ही चीज चल रही होती थी, वो ये था कि रीच क्या मिल रही है, कितना फायदा हो रहा है, व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो वो खैर स्टडी को भी उसमें जो है वो काफी हद तक उसमें गया डाउनफॉल वगैरह। इवन मुझे जब रिजल्ट आया इंटर का मेरा, आई रिमेम्बर दैट कि जब मैंने कॉल पे बात की थी अपने अब्बू से तो उन्होंने बोला कितने नंबर आए, नंबर बताए देख 928 और खेलो पबजी और करो आप ये बात दिल में लगती जब ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। बिल्कुल, तो उन्होंने बोला कि और खेलो, आपको किसने बोला था आप लोग घर की कहानी, ये तो होता ही है। सो ये खैर कॉमन जो एक बंदा रिलेट कर सकता है वही चीज है कि उस जो है वो सुनने के बाद थोड़ा सा जाहिर है बंदे के दिल में भी डिसअपॉइंटमेंट से आपको होता है कि घर वाले ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपके पहले भी नंबर ज्यादा थे, फिर वो इस चीज को भी फोर्स कर रहे थे आपको एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, आपको जो है वो इस पे ज्यादा सोचना चाहिए था, अब देखते हैं क्या बनेगा आपका एडमिशन के मिल पाता कि नहीं मिल पाता, तो वो लेकिन वो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक साइड पे जो है वो जहाँ पे पहले नंबरों में घर लोग लग रहा था कि शायद ज्यादा बुरे हालात चलेंगे, लेकिन स्टिल जिसमें चाहा उसमें एडमिशन लेके भी दिखा दिया था। ये तो बहुत अच्छी बात, मतलब आपने प्रूव भी कर दिया इन द एंड कि आपकी क्या वर्थ थी। जी चलें पोर्टल, मतलब जैसे कि आपने बताया 2018 to 2021 में आपके साथ TCW का जुड़ना हुआ जहां पे आपका एक कहते हैं ना फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन बना था, फिर चीजें आपने देखा मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप वो बताएं जो फर्स्ट अचीवमेंट जो आपने खुद सेलिब्रेट की होगी वो क्या जर्नी थी, वो क्या एक्सपीरियंस था, और आपके थ्रू आपको क्या लगता है कि 18 के बाद से एक मेजर जो ब्रेक थ्रू आता ना किसी भी इंसान की लाइफ में वो क्या इंसिडेंट था?
आई थिंक मेरे लिए तो इस सारे जो है वो जर्नी को लेके जो सबसे बड़ा जाहिर है गोल सेट हो चुका था, जिस तरह से ऑफिशियल इवेंट्स की मैंने पहले बात की, वो यही था कि यार किसी तरह से जो है ना खुद को उस स्क्रीन पे लेके आना है, वहां तक पहुंचाना है, वहां तक पहुंचाना है जहाँ पे जो है ना सबको पता लगे कि कुछ ना कुछ अब इसने जो है वो अब जा जाके हाँ पता लग रहा है कुछ अचीव कर लिया है। तो वो खैर 2021 में फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वो अपॉर्चुनिटी भी मिल गई थी, और वो अपॉर्चुनिटी भी खैर कुछ इस तरह से मिली थी, कुछ अंदाजा था नहीं, कुछ पता नहीं था, और वो ऑल ऑफ अ सडन ही हुआ था कि ऐसे ही मैं जो है मुझे रात को जो है पता चलता है कॉल वगैरह आती ये है। वैसे आपने मुझे बताया अभी था, एक टाइम मुझे याद है बिल्कुल, और मुझे अचानक से कॉल आती है और मुझे बताया जाता है कि आपको सुबह स्टूडियो आना है। मैं हैरान हूँ कि मतलब किस चीज के लिए, आपको भी नहीं समझ आ रहा था क्या बात हो रही है, किस लिए हो रही है, क्या बात हो रही है। तो मैं खैर सोच रहा था मतलब अभी खुशी भी है और सरप्राइज भी है कि ये ऐसा अचानक से कैसे पॉसिबल है, टूर्नामेंट चल रहा है ऑलरेडी, दरमियान में एक बंदे को कैसे हो सकता है कि टूर्नामेंट जब तो जाहिर है स्टार्ट अगर होने से पहले अगर आपको अप्रोच करता है बहुत सही है, समझ में आता है, लेकिन वो दरमियान में जब किया तो कुछ स्टिल समझ नहीं लग रहा था। फिर मैंने उनको क्लियर करने के लिए पूछा, उन्होंने बताया कि नहीं आपने तैयार हो गया ना, आपने जो है वो जो यस टाई वगैरह लगा कर, मैं वाकई टाई लगा के चला गया था, टाई की जरूरत नहीं थी, लेकिन टाई की जरूरत थी नहीं, मैं चला गया था टाई लगा के। तो वो वाकई जो एक नॉर्मल बंदे का परसेप्शन होता है कि आपको टाई चाहिए, मैं वही टाई लगा के चला गया। सो जब वहां पे पहुंचे उधर की भी टेंशन एक अलग थी कि अब जो कैमरा है उसको फेस कैसे करना है, कभी कैमरे को ज्यादा फेस कभी भी नहीं किया, कैमरे को ज्यादा कभी फेस ही नहीं किया, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे वो पाया नहीं जाता है कि आपने जो है बाय कैम बाय इस तरह से आपने जो वो चीज करनी है, लेकिन वहाँ पे लाइव वाला सीन है। तो वो खैर टेंशन टेंशन में पहुंच तो गए, फिर उसकी एक्साइटमेंट लेवल एक अलग था, लेकिन वो आई थिंक वो भी एक ऐसा मोमेंट था जो 2021 में फाइनली जाके 2019 से जो स्टार्ट किया था वो 21 में जाके तकरीबन आपको 2 साल की इस जर्नी के अंदर ही आपको वो चीज एक मिल जाती है। तो आपको फिर जाके घर वालों को उसका भी जब जाहिर है एट दी एंड पूछता, हर बंदा ये पूछता है जो मर्जी हो जाए आपका, कोई आपसे ये ज्यादा नहीं पूछेगा कि आपने आपको ऑफिशियल मिल गया क्या मिल गया, उनको ज्यादा ऐसे नहीं पता, नहीं पता, पता लेकिन जब वो बैठते हैं फैमिली वगैरह बैठती है जो कुछ भी होता है, पैसे कितने मिल रहे हैं आपको इसके, तो जब उनको पैसे बताते हैं फिर वो कहते थे कि कुछ तो है, कुछ तो मिल रहे हैं पैसे, अच्छी बात है। फिर वो कहते थे नेक्स्ट टाइम कब जाओगे आप, मैं कब बुलाएंगे फिर जाऊंगा। नहीं ये भी मतलब आप जो बता रहे ना कि 11th आवर पे आपको कॉल आ गई थी, तो ये भी सब नसीब की ही चीज होती है। बट वो बताएं चलें, वो मुझे इवेंट पता है पीएमसीसी से आपने अपनी सारी जर्नी स्टार्ट की थी, जो कि आपके लिए एक हाइलाइटिंग मोमेंट, एक मेजर ब्रेक थ्रू है। पीएमसीसी में सेट में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा स्टूडियो में आपके साथ जो भी आपके कलीग्स हैं उनके बीच में कुछ ऐसा आपके साथ वाकया हुए हो जो आपको अभी तक याद हो? आई थिंक ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे एक इंसिडेंट अभी तक याद है। ये सी सारे जब जर्नी स्टार्टिंग फेज में ही एक जब ऐसा हो गया था कि हमारा जो है मैचेस थे, और उस टाइम पे स्टूडियो बेसिकली जब आपने कोशिश, जाहिर है जो भी होता है काम आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऑन टाइम पहुंच जाओ। लाहौर में स्टूडियो में ना जहां पे आप रहते हैं राइश पे, करीब है दूर है घर से आपके? नहीं 15 मिनट ऑलमोस्ट था, डिस्टेंस था इतना, लेकिन एक्चुअली सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया कि पहुंचना तो मुझे तो ऐसा था कि मेरा जो है वो स्टार्टिंग टर्न नहीं है अभी, तो मैं आराम से जाता हूँ, जो बाकी 2 लोग हैं वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं जो है वहां पे पहुंचा तो पता लगा कि वहां पे एक ही बंदा था, दूसरा बंदा भी अनफॉर्चुनेटली लेट हो गया, तो उस वजह से ऐसा हो गया कि जो शो था वो स्टार्ट नहीं हुआ था अभी भी। एंड देन उस वजह से जो है वो ये हुआ कि जो शो का स्टार्टिंग टाइम था उनको डिले करना पड़ा। सो उस वजह उस बात पे शुरुआत में ही आपको वो चीज सुननी सुनने को मिल गई कि आपकी वजह से डिले करना पड़ा है, या आपको जल्दी आना चाहिए था, ऐसे नहीं चलता है, आपको जो है वो टाइम का ख्याल करना चाहिए, क्लैश हो रहा होता है, यस आपको ये चीज करना चाहिए। तो मैंने कहा लेकिन ये तो मेरी वजह से तो नहीं हुआ, मैं तो अपने ही हिसाब से आया हूँ, बाकी जो 2 लोग थे उनको मुझे तो था कि वो कर लेंगे। हालांकि जब मैं पहुंचा तभी कुछ टाइम था, बहुत मिनिमल सा था, लेकिन मैंने तो बोला अभी भी कर लेते हैं, सही। बट जाहिर है वो उन्होंने बोला कि नहीं अभी कैमरा आईडी सब कुछ अभी नहीं कर पाए, वो हो सकता है इतने शॉर्ट टाइम में, तो आप लोगों को ज्यादा ख्याल करना चाहिए था। तो खैर वो एक ये चीज थी कि कुछ एक्साइटमेंट जहाँ पे चल रही थी अभी स्टार्टिंग किया उसके दौरान ही आपको ये भी अलर्ट मिल गया कि आपने अगर चलना है इसमें ज्यादा देर, आपको ये जो चीजें इनको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ये सारे मामला भी देखने वाले होते हैं, बिकॉज प्रोफेशनली भी ये सारे फिर काउंट मेजर्स ना काउंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। खैर पीएमसीसी की भी बहुत अच्छी यादें थी आपकी, कि आपका मतलब आप तैयार होके जाना, वो इवेंट करना, और उसके बाद आपने क्या नोटिस किया, मतलब एक तरीके से आप ऑफिशियल सर्किट में पहले ही आप थे, आपके अलावा मतलब इतने लोग नहीं थे जो इन थे उस टाइम पे, जो लोकल सर्किट पे कास्टिंग कर रहे थे, फिर आपको जंप मिला,
तो उस जंप के बाद आपकी जो रीच हुई, आपको जो लोग पहचानना स्टार्ट हुए, आपने क्या डिफरेंस फील किया था उस ओवरऑल टाइम पीरियड में? मुझे इसका आई थिंक जो फैक्ट था, जो डिफरेंस था, वो इस शेप में नजर आया था कि नॉर्मली जब मैं कर रहा था पहले लोकल, और मैं अभी ऑफिशियल में पहला मैंने इवेंट किया नहीं था, तो मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि लोग जो हैं वो इतने सारे लोग जो है नजर रखते हैं, या आपको इतना ज्यादा जो है वो आवाम अपना अच्छा रिस्पॉन्स भी दे सकती है, कि लोग इतना खुश भी होते हैं जब आपको किसी बंदे को जिसको वो चाह रहे हैं उसको एक अचीवमेंट मिलती है। सो जब मैंने वो पहला किया था, जब मैं पहले दिन वहां पे गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने उस टाइम पे पोस्ट एक लगाई थी, तो उस पर रिएक्शन बहुत ज्यादा आए थे, उस पर बहुत ज्यादा रीच गई, बिल्कुल। और लोगों के जब मैं कॉमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो मुझे वो लोग मिल रहे हैं जिन्होंने जिनको मैंने शायद जिनसे कभी पहले इंटरेक्शन भी नहीं हुआ, जिनके कोई मैसेजेस पहले तक नहीं देखे, लेकिन उन लोगों के मैसेजेस आए हुए थे। इवन कुछ ऐसे थे, कुछ क्रिएटर्स वगैरह थे जिनको आप नॉर्मली देखते हैं कि कॉन्टेंट वगैरह कर रहे होते हैं साइट पे होते हैं, तो मुझे जब वो मैंने मैसेज देखे, तो वो अपने आप में मोटिवेशन भी थी कि यार बहुत बड़ी बात है कि वाकई ये कुछ चीज है कि आपको जब लोग देख रहे होते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं आवाम की कुछ। शायद ये भी एक फैक्ट भी था जिस तरह जिसको आप बोल सकते हैं कि लोगों की इसी दुआओं की कुछ एक असर है कि आप जो है वो अचानक से वो जो लोकल साइड से जो है आप इस साइड पे आ जाते हो। सो डिफरेंस ऑब्वियसली ये मुझे नजर आया था कि उसके बाद जो सपोर्ट है वो फिर आवाम थोड़ा बैक साइड पे जुड़ती गई। देन मैं पहले ज्यादा एक्टिव नहीं था अपने सोशल्स पे, सोशल पे ज्यादा काम किया, सो वहां पे जो है ऑडियंस का और ज्यादा लोगों की जो इनसाइट्स हैं वो आपकी तरफ आ रही है कि भाई गेमिंग पोर्टल इज अ कास्टर एज वेल। तो फिर जब आपने कास्टिंग की और आपके साथ जो बाकी लोग भी कर रहे थे, फिर आपने और क्या अपने प्लान्स ऐड किए? कि आपने पहले था आपका प्लान कि आपने ऑफिशियल्स तक जाने, जब आपने वो चीज भी सेट ऑन कर ली, उसके बाद आपके क्या नेक्स्ट प्लान्स बने? आपने किस तरीके से अपनी मजीद और जर्नी इंप्रूव की? क्योंकि 2021 तक हमारे पास पीएमसीसी एक बहुत अच्छा इवेंट था, जो कि नया इवेंट था, वो काफी हाइप में भी गया था उस टाइम, पाकिस्तान की ई-स्पोर्ट्स बूम कर रही थी उस टाइम पे। उसके बाद से फिर आपकी आगे की जो कहानी है 2021 से 2023 के जो मिड टाइम में, उसमें आप बताओ उसमें आपने क्या चेंजेस, क्या इंप्रूवमेंट्स खुद देखी हैं उस टाइम के दौरान? आई थिंक यही एक जो इम्प्रूवमेंट्स का तो काफ़ी सारी आप कह सकते हैं, बिकॉज जाहिर है ऐसा ही है कि आप कोई भी काम कर रहे हो हमेशा उसमें रूम है इम्प्रूवमेंट का, लर्निंग फेज होता है आपका, और मैं खुद को ओपन ही रखता हूँ सीखने के लिए। सो जब इस तरह का आप एक आई थिंक स्टेज पे कर भी रहे हो, तो आपको फीडबैक जो है वो लोगों का सुनने के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। क्योंकि इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा हवाला दूँ लोकल साइड पे, तो मुझे बेसिकली इंस्ट्रक्शंस मिलती थी जब जिनके मैं इवेंट्स कर रहा था, वो बोलते थे कि आप जस्ट जो है ना कॉमेंट्स वगैरह पे ज्यादा फोकस ना करो, क्योंकि जाहिर है वो सारा स्ट्रीम भी मैं कर रहा हूँ, वो कास्टिंग भी मैं कर रहा हूँ, सो इट डज नॉट मैटर कि आप जो है वो कास्टिंग पे जाओ, क्योंकि जब आप उधर जाओगे आपका डिस्ट्रैक्शन आपकी होगी, और इस वजह से आप कास्टिंग सही नहीं कर पाओगे, स्ट्रीम सही नहीं हो पाएगी। लेकिन जब मैं ऑफिशियल में आया, तो आई रियलाइज कि ये जो चैट्स होती है, लोगों का फीडबैक है, ऑल दो पहले भी बहुत कोशिश होती थी कि लोगों का फीडबैक आप देखो, लेकिन बाद में उसको इस सेंस में इंक्रीज कर दिया कि क्योंकि आप बड़ी स्टेज है, पहले मिसाल के तौर पर जहाँ पे आपको 20 बंदा एक टाइम पे देख रहा है, अब जाहिर हजारों में वो नंबर जा चुका है, तो वो एक बहुत बड़ा आई थिंक था, एक अलार्मिंग सिचुएशन एक मेरे लिए था, अलर्ट था मेरे लिए कि अब मुझे खुद को ज्यादा मेहनत कर रही है, अपना जो फ्लो है, अपनी जो एक कुछ भी गलतियां हैं, मिस्टेक्स हो रही हैं कुछ वर्डिंग्स में, एंड प्रोफेशनलिज्म को लेकर, अपनी बॉडी लैंग्वेज इन पर्टिकुलर एज वेल, कि आपने जो बात कर रहे हो, आप बैठे हो जहाँ पे सामने बैठते हो कैमरे में, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में जब था तो मुझे कुछ सुनने को मिला था ऐसा कि आप कैमरे में ऐसे बैठे हुए थे कि आप शायद एक बंदे को फिक्स करके जो है वो बिठा दिया गया और बंदा बिल्कुल हिल नहीं रहा। ये भी पीएमसीसी की बात है? Yes, इसमें इसमें मतलब क्या बैकएंड से आपको कॉल आई हुई थी? मुझे बैकएंड से ज्यादा नहीं, लेकिन जो ऑडियंस का था कुछ ऐसा फीडबैक मुझे सुनने को मिला था कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो आप ऐसे अगर बैठे हुए तो आप वैसे के वैसे ही बैठे, मतलब जबरदस्ती लाके बैठा हाँ, ऐसे रहने ऐसे लग रहे थे कि आपने जबरदस्ती बंदा जो है किसी जगह पे बैठा हुआ और फिक्स हो गया उस जगह के ऊपर, लेकिन आपको चाहिए था कि आप अपना जो हाथ वगैरह है, बॉडी मूवमेंट आप कुछ करो, आप उस पे जो है वो इजी होके रिलैक्स होके बैठो और जस्ट अपने काम को आप फोकस करो। तो वो खैर वो एक आई थिंक मेजर चेंज आया ओवर द टाइम, जाहिर उसमें टाइम लगा। फिर उसके बाद दरमियान में जाके ऑडियंस के जो साथ इंटरेक्शन था वो भी बढ़ गया ऑडियंस का, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा भी इसमें टाइम मिल जाता था कि कब खुद स्ट्रीम नहीं कर रहे, तो जैसे ब्रेक आती थी इवन एट बाजू का तो लोगों को नहीं पता होता जाहिर है, लेकिन जब मैचेस चल रहे होते थे मैचेस के दौरान चैट्स खोली होती थी लोगों की, हम कास्ट भी कर रहे हैं और लोगों के साथ चैट में इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, तो उस पर भी फिर लोग उसको पॉजिटिवली लेते थे कि यार हाँ अब ये लोग जो है बंदा जो है हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये सुन रहा है जो हम बोल रहे हैं, कोई गलती होती है उसको वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं,
कोई अच्छी चीज है उस पे हमें भी चलो हमारे साथ ही इंटरेक्ट करके उनको खुशी हो जाती थी कि चलो यार ये बंदा ना हमारे से एंगेजमेंट यस कर रहा है। तो खैर ये आप आई थिंक 2021 के बाद से जब से लाइक मैं इसमें आया था स्टेज के बाद आई थिंक ये दो मेन मुझे मेजर लगते हैं कि ये जो था ये ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई क्योंकि यही चीज आपको चाहिए इस साइड के ऊपर खास तौर पे कि आपको प्रोफेशनली जो 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 चीजें रिक्वायर्ड है सिर्फ आप उन पे कॉन्सेंट्रेट करो ज्यादा इसमें आप जो है वो डिस्ट्रैक्शन नहीं आपके अंदर होनी चाहिए। सेकेंडली जितना ज्यादा आप ऑडियंस को रिस्पॉन्ड करोगे जितना ऑडियंस के साथ आप इंटरेक्ट करोगे ये चीज आपको उतना ज्यादा हेल्प आउट करे बिकॉज अगर आप फीडबैक के लिए ओपन नहीं होगे तो ये मेरा अपना इस पे ओपिनियन रहता है कि इंसान वो जो आपका इंप्रूवमेंट का रूम है ना वो बेसिकली खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि आप परफेक्ट हो और आप जो कर रहे हो बहुत बेहतरीन है हालांकि जाहिर है आप जब कर रहे होते हो गलतियां आपसे हो जाती हैं। आप बाजू का कुछ वर्ड होते हैं रिपीट कर रहे होते हो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि ओवर द टाइम ज्यादा देर दूर की भी बात नहीं है। अभी रिसेंट भी मुझे इसका याद है कि एक ऐसी क्योंकि हर दफा ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपकी जुबान पे रह जाते हैं जैसे एक दो वर्ड्स आ जाते हैं। तो मुझे जो है वो कमेंट्स से जो है पता चला कि भाई बोल रहे थे कि ये गेमिंग बोतल जब भी आता है इसकी जुबान से हमें ये पता चल रहा होता है कि ये जो टीम्स हैं वो रह रहे होंगे लाइक समथिंग लाइक दैट। तो वो जो एक कुछ एंड वाला जो एंडिंग नोट में करता था लाइन का तो मुझे वो पता लगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो वो मतलब 2021 के बाद से 22 हो गया ये भी रिसेंट की बात 2023 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। सो वो तो अभी तक चलता जा रहा है उसमें तो ऐसा नहीं है कभी तक वो रुका हो लेकिन आई थिंक दिस इज द सीन जो कि लर्निंग फेज रहा है। वेल ये तो विद टाइम ही लोग इंप्रूव कर रहे हैं। इस सच्ची क्या बात होगी कि ऑडियंस ही आपको सजेस्ट करें कि वेयर यू हैव टू वर्क ऑन ना वरना ऑब्वियसली मैं भी सेम प्रोफेशन शेयर करता हूँ जैसा कि आपका ही है जी। तो उस टाइम पे भी ये होता है कि हमें खुद बैठ के देखना होता है भाई हमने कहाँ गलती की है ताकि हम खुद गलती पकड़े। तो उस टाइम पे बहुत अच्छा था। उस टाइम पे मेरे ख्याल से जो व्यूअर्स देखने वाले थे वो काफी पॉजिटिव भी थे वो काफी मतलब ना इतना ज्यादा लोगों को डाउनग्रेड नहीं करते थे बनिस्बत आज के। तो चले आप बताएं मतलब अर्ली फेजेस में जब आपने लोकल के बाद ऑफिशियल ऑफिशियल के बाद आपके पास भी लोकल इवेंट्स आ रहे होंगे ऐसा नहीं कि आपके पास लोकल इवेंट्स नहीं आ रहे होंगे। तो आपने एक दफा स्टूडियो की कास्टिंग देख ली कर ली वहाँ पे स्टूडियो का माहौल डिफरेंट होता है वहाँ पे आपकी रिसोर्स इस्तेमाल नहीं हो रही होती है फिर आप घर में हो बिल्कुल। तो आपने क्या चीजें डिफरेंस फील की कि यार घर में आप कुछ अपग्रेड करना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो दो मेजर प्रॉब्लम्स है नेटवर्क का और पावर फेलियर्स का। तो कुछ ऐसा वाकया बताएं जो आपने सर्दी का तो आपने बता दिया तो वैसे ही कोई अगर गर्मी का या गर्मी के मौसम में आपने कोई इवेंट इवेंट करना हो एंड लाइट चली गई हो और पीछे से आपको कॉल आ रही है ऐसा कुछ वाकया हो तो वो भी बताएं। इसका मेरे साथ एक जो हुआ था वाकया वो गर्मी को लेके पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि नॉर्मली क्योंकि एक तो एरिया वाइज भी सभी लोग ये चीज़ फेस करते हैं कि पाकिस्तान में आपको इलेक्ट्रिसिटी जो फेलियर है बहुत ज़्यादा होता है और अचानक से ही आप चाहे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो आपका काम लाइट जो आपकी आ रही थी वो बंद हो जाती है किसी भी टाइम को स्पेसिफिक टाइम नहीं चलता नहीं बिल्कुल पता नहीं है। सो खैर मैं एक इवेंट कर रहा था ऐसे ही और इवेंट के दौरान जो है मेरी लाइट ऑफ हो गई और मुझे था कि जैसे नॉर्मली होता है चलो ठीक है चले भी गए तो घंटे के अंदर आ जाएगी लेकिन उस दिन शायद किस्मत ने भी साथ नहीं देना था उस दिन ये एक बुरा दिन यस तो वो वाला दिन काफी कुछ ज्यादा बुरा था कि लाइट भी नहीं आई गर्मी भी ठीक ठाक थी अच्छी खासी गर्मी थी और मेरे पास ऑल दो यूपीएस बैकअप था लेकिन फर्क ये था कि मेरे पास जो एक्चुअली यूपीएस था उस पर मैं पंखा नहीं चला सकता था क्योंकि जाहिर है आपकी जो यूपीएस पे जो आपने लोड डालना है वो आपको स्पेसिफिक रखना पड़ता है। फिर मेरा पीसी चल रहा है वो चल सकता है एंड वैसे दूसरा जो चीज़ थी इसमें कि वो जो पंखे का कनेक्शन था वो उस पर था भी नहीं ये भी चीज़ थी उसमें यस। तो उसमें मेरे पास लाइट का ऑप्शन था लाइट एक चल रही थी एक देन मेरा पीसी चल रहा था सो ये दो चीज़ें बस उस पर चल रही थी और मेरे जो है बैक साइड जैसे जैसे मैं कर रहा था पसीना आ रहा था और वो शलवार कमीज मैंने पहनी हुई थी ये वही क्लिप है जो शायद आपने उधर अपनी अपलोड भी की यस ये वही का वाकया है बिल्कुल। और उस टाइम पे खैर मैं जो है वो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं थोड़ी देर पहले नहा के आया हूँ जब मैं उस इवेंट को कर रहा था तो जब वो मैंने भी क्या रियलाइज नहीं किया उस टाइम पे क्योंकि मैं तो मैचेस जब कर रहा था मुझे था कि शायद इतना ज्यादा नहीं हुआ होगा ज्यादा हाँ जी इतना ज्यादा पसीना वगैरह तो खैर नहीं होगा लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे हुआ तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि यस ये तो काफी ज्यादा कुछ शर्ट जो है पीछे से बिक चुकी है और पसीना काफी कुछ ज्यादा ही आया हुआ क्योंकि उसकी चाहते थे कि ये रीजन थी कि जो जिस सीट में बैठा हुआ था वो सीट असल में कुछ लेदर टाइप मटेरियल था और उससे भी अलहदा एक हीट निकलती है तो इस वजह से भी मुझे जब ज्यादा पसीना आ रहा था। तो उस टाइम फिर छोटा भाई आया
और वो भी उसने यहाँ के जो है वो जो एक वीडियो थी उसने रिकॉर्ड की थी उस टाइम पे कि जो लोग हैं एक्चुअली उनके साथ थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए उनको भी, एक जिस तरह से आम वो देखते हैं कि यार एक आप बिहाइंड द सीन जो है जब कैमरा ऑफ है तब तो उनको लगता है कि बंदे की सिर्फ आवाज ही आ रही है, बहुत ही आपको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बैठे हैं जैसे अभी हम बैठे हुए यहाँ पे, तो इस तरह से चल रही होगी कास्टिंग, तो जी जी बिल्कुल कंफर्टेबल, अच्छी बात है, अच्छी बात, कंफर्टेबल हम बैठे हैं और आपको जो है वो एक एसी वाला माहौल चल रहा है पीछे, बहुत ही ज्यादा कोई लग्जरीज आपको जो है वो मिल रही है एंड देन जो है बड़े को प्रोफेशनल से एनवायरनमेंट बैठ के कास्टिंग की जा रही है और बहुत ज्यादा कोई पैसे आ रहे हैं, लेकिन खैर जब वो वाला भी एक चीज जब लोगों को दिखाई तब उस पर भी फिर आवाम को थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि हाँ ये भी कुछ है कि मतलब एक्चुअली रियलिटी जब इसके ऐसा ही है कि जो हम लोग नॉर्मली देख रहे होते हैं वैसा भी नहीं है कि बंदे के पास हर चीज है, बल्कि उसको जब वो गर्मी में बैठ के भी कास्टिंग करना पड़ रही है, उसके पास जो जो चीजें हैं वो उसमें ही अपने आप को लेके चल रहे हैं, जो मेन चीज हमें चाहिए जैसे उस पर फोकस कर रहा है। सो ये खैर एक था इंसिडेंट जो गर्मी को लेके मुझे अभी तक याद है और आई थिंक ये थोड़ा मुझे खुद भी जब मैं इसको देखता अभी भी हूँ तो मुझे थोड़ा वो भी याद करवा देती है चीज़ कि ऐसे इंसान को अपने पैशन को लेके जो ना आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए। आपने बहुत बड़ा देख लिया था, वैसे यही हम देखते हैं लाइफ में ना कि मतलब जो रिस्क लेते हैं उसके बाद फौरन ही थोड़ा टाइम बाद ही रिवॉर्ड मिल रहा होता है जो कि आपको मिला है माशाल्लाह से। फिर बताएं जैसे कि 2021 पीएमसीसी के बाद फिर आपने बैक टू बैक पीएमपीएल्स भी किए हैं एंड आपके साथ और भी लोग ऑन बोर्ड आए, कलीग्स में सबके साथ आप किस अपने कलीग या को कास्टर कह लें किसके साथ आप ज्यादा गेट अलॉन्ग हुए हैं, क्यों हुए, किसके साथ नहीं हुए इतने ओपन, उसकी क्या वजह रह सकती है? आई थिंक मैंने ज्यादा अभी तक जो इवेंट्स किए हैं वो कुछ अभी तक जो लोग रहे जब से मैं आया हूँ स्टार्टिंग में थे एहसन भाई, अलादीन भाई थे मेरे से पहले कर रहे थे और जब मैं आया था पीएमसीसी में तो सेम उसी टाइम पे आदि अहमद ने भी ज्वाइन किया था, तो ये तीन लोग थे। आप दोनों का उसी टाइम फर्स्ट टाइम था? यस, हम दोनों का वो फर्स्ट इवेंट था बेसिकली अहमद का और मेरा। फर्क ये था कि लाइक अहमद को कुछ दिन पहले मेरे से वो जो है उन्होंने कॉल कर लिया था और अहमद कुछ दिन पहले ज्वाइन कर लिया था और मैंने इन बिटवीन जो इवेंट उसके दरमियान मैंने जाके ज्वाइन किया था। लेकिन उसके बाद खैर जो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली हैं ज्यादा इसका टाइम स्पेंड हुआ, आई थिंक काफी कम टाइम गुजरा है इवेंट्स में अलादीन भाई के साथ, एहसन भाई के साथ, आदि के साथ भी, बट आरजी भाई के साथ जो आरजी जवाद उनके साथ अभी मेरा ज्यादा टाइम भी स्पेंड होता रहा। सो वो शायद एक वजह रही है कि जो बाकी लोग हैं उनके साथ उस तरह से ज्यादा नहीं हो सका इंटरेक्शन वगैरह, उससे ज्यादा उस तरह से आपको जो है वो कम्फर्ट में भी आप कम्फर्टेबल नहीं हो पाते। लेकिन क्योंकि रिसेंटली भी मैंने बैक टू बैक ऑल जो कुछ इवेंट्स किए थे उनमें इवन जो पीएमएनसी लैन था उसमें भी आरजी भाई मेरे साथ थे, फिर उसके बाद भी कुछ जो है वो मैंने उसके आगे पीछे कुछ इवेंट्स किए उनमें भी आरजी जवाद थे, तो वो जो बैक टू बैक मैंने इवेंट्स किए उस वजह से कहीं ना कहीं आई फील लाइक दैट कि वो दरमियान में मेरा जो कम्फर्टेबल कम्फर्ट जोन था वो ज्यादा जो एक फ्रैंकनेस आपकी होती है वो कहीं ना कहीं आरजी भाई के साथ हो गई थी, क्योंकि आरजी उनकी जो नेचर है जाहिर है वो भी काफी इस चीज को लेके ओपन थे, काफी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे एंड क्योंकि वो सबसे ज्यादा सीनियर भी ऑलमोस्ट चल रहे हैं अभी, सबसे पहले से जो इवेंट्स होते आ रहे थे वो आरजी ही थे। यस, उनको सब चीजों का आइडिया है कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो है वो किस किस का जो है वो क्या क्या हिसाब है, आपको गाइडेंस मिल जाती है किस किस बंदे से आपको ज्यादा मोहतात रहना चाहिए और कौन आपका जो है वो खैर ख्वाह है कौन खैर ख्वाह नहीं है, तो वो चीजें भी खैर गाइडेंस मिलती रहती थी, तो वो चीज आई थिंक आरजी के साथ कहीं ना कहीं रहा है कि ज्यादा कंफर्ट जोन अभी भी है। और आप लोगों ने भी अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो सबसे ज्यादा जो डेक्स शेयर किए वो आपने और आरजी ने साथ ही किए ना, मतलब कास्टर। यस, आरजी आपके साथ जैसे कि आपने बताया पीएमसीसी में ना ही सही लेकिन जो पीएमएनसी के जो लैन इवेंट हुए उसके बाद जो गेम की भी का भी जो लैन इवेंट है और ऐसा एक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं कि लैन इवेंट में ही आप और आरजी दोनों साथ थे। जी, इससे आई थिंक जो अभी लाइक गेम की वाला हुआ उसमें मैं और आदि थे कास्टिंग डेस्क पे, बट आरजी प्रोबेबली वो स्टेज पे थे, सो अगेन उस इवेंट में भी थे, लेकिन उसके अलावा आई थिंक देन दरमियान में किना किसा, सो कि अगर आप ऑफिशियल को काउंट करेंगे तो मे बी जो है वो आपको उसमें दो शायद आई थिंक दो इवेंट्स मैंने किए हैं आरजीबी के साथ ऑफिशियली, लेकिन जो लोकल है लाइक जो थर्ड पार्टी हमारे इवेंट्स होते रहे लाइक जिसमें गेम की के अलावा आई थिंक गेम नाउ उसमें आरजी जवाद कहीं ना कहीं थे, उसके बाद भी शायद जो पीएमसीसी दरमियान वाला हुआ था उसमें भी शायद कुछ दिनों में वो आए थे, सो ये कुछ था टाइम जिसमें ज्यादा उनके साथ मिल रहे थे मौके मिल रहे थे। इसके हालांकि इसके अलावा आदि के साथ भी मैंने कुछ इवेंट्स किए अभी रिसेंटली, उनके साथ भी किया जो गेम की अभी आपने बोला,
जो सबसे ज्यादा रिसेंट गेम की मैं आदि के साथ भी किया, लेकिन आई थिंक आई फील लाइक के जो एक होता है ना आदि का जो एक स्टाइल रहता है और मेरा जो एक स्टाइल रहता है, हम दोनों तकरीबन एक सेम तरह के बंदे हैं। अगर मैंने माइक पकड़ लिया तो मेरी कोशिश होती है कि मैंने बोलना है, ये आदि की कोशिश होती है कि मैंने बोलना है, सबकी कोशिश यही है कि मैं ही ज्यादा रहूं, मैं ही ज्यादा बोलूंगा। तो वो कहीं ना कहीं लोग बोलते थे कि अब दोनों की लड़ाई शुरू हो जाएगी कि अब जो है वो आप लोगों ने जरा तो नहीं था ना बीच में। नहीं नहीं नहीं, अच्छा बस यही तक था कि कास्टिंग तक की हमने जो है वो करने कि जब एक वो फ्लो में जाहिर कर रहे हैं तो उनका होता था कि मैंने ज्यादा करना है, मुझे होता था कि मेरी बारी कब आएगी। मैंने भी जाहिर है मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे भी पैसे चाहिए और मैं भी करना चाहता हूँ ऑडियंस को एंटरटेन, तो ये होती थी। लेकिन इस चीज को मैं कहीं ना कहीं इंजॉय भी करता हूँ कि जब मैं बोलने शुरू कर देता था फिर वो देख रहे होते थे मेरे मुंह को, तो वो बोलते थे मैं देख रहा होता था। तो वो हम अक्सर उगाते इस चीज को लेके काफी ज्यादा ना एक दूसरे को, जब होती है ब्रेक्स वगैरह तब हमें तंग भी थोड़ा सा करते थे और थोड़ा सा इस चीज को लेके जब मजाक वगैरह भी चलता रहता था। ये तो है, मतलब जो व्यूअर्स ऑन स्ट्रीम देख रहे थे उनको नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स क्या हंसी मजाक क्या एक्सपीरियंस रहने वाले हैं। तो आपने मतलब बुरा भी बताया और थोड़ा सा अपनी रिफ्रेशिंग मेमोरी भी बताई कि सारे मतलब हंसी मजाक रहते ही रहते हैं। यस, बट आप ये बताएं जितना ज्यादा आसान रहता है व्यूअर्स को तनकीद करना, एक तनकीद में आ जाता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और एक आ जाता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म, तो वो बताएं कि ओवर द ईयर्स कुछ ऐसे आपको अच्छे मशवरात और कुछ ऐसी तनकीद याद रहेंगे तो वो भी बताएं। आई थिंक पॉजिटिव जो क्रिटिसिज्म है वो शायद ज्यादा ही मैं बोलूंगा इसमें, क्योंकि जो मे बी इसका ये किस तरह से भी आप कह सकते हो कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे आपको पॉजिटिविटी ही नजर आएगी, अगर आप नेगेटिव हो तो जाहिर आपको नेगेटिविटी ही नजर आएगी। सो मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा नेगेटिव ना ही रहूँ, नेगेटिव साइड को देखूँ ही ना, क्योंकि अगर नेगेटिविटी में देखूंगा तो जाहिर आपके अंदर भी अल्टीमेटली वो नेगेटिविटी आ ही जाएगी, आप चाहते हो नहीं चाहते हो वो आपको ओवरटेक कर देगी और आप देन जो है वो उसमें गिर जाओगे। तो मुझे कोई भी देता था फीडबैक तो मैं हमेशा कोशिश करता रहा उसको ओपनली लूँ, चाहे मेरे वो सीनियर्स हैं चाहे मेरे से कोई बाद वाला बंदा भी है, इवन मेरा अगर छोटा भाई भी है वो मुझे बोलता है कि आपको इस तरह से नहीं इस तरह से करना चाहिए, आपको जो है अपनी अपना जो माइक है आपको ज्यादा करीब नहीं करना चाहिए, आपको जो है अपनी ज्यादा इस तरह से इस जगह पे शाउट नहीं करना चाहिए, आपको जो है वो ज्यादा इस तरह से बोलना नहीं चाहिए। सो वो जो क्रिटिसिज्म वाली साइड है पॉजिटिव वाली वो इस तरह से चीजें जाहिर मिलती हैं। शुरू में लगता था बुरा लगता था कि जब मैं एक चीज कर रहा हूँ तो दूसरा बंदा मुझे क्यों बोल रहा है, वो कौन होता है कि मुझे जो है वो बंदा एक ऐसी बात कर रहा है। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको लगता है कि ये जो है वो नहीं करना चाहिए इस बंदे को मेरे साथ, बल्कि मैं जब कर रहा हूँ तो बस ठीक है मैं कर रहा हूँ और मुझे करने देना चाहिए, मैं खुद बहुत सीख जाऊंगा। लेकिन फिर वो ओवर द टाइम वो चीज जेन में बैठी कि नहीं ये चीज वाकई है और चीज ने आपको हेल्प आउट किया है कि वो जो उस बंदे ने आपको बताया था एक्चुअली वो चीज वाकई आपके अंदर गलत थी और अब जो है वो ऑडियंस का जो फीडबैक है वो पहले से बेहतर आ रहा है, पहले से वो ऑडियंस आपको ज्यादा पसंद कर रही है। लेकिन नेगेटिव वाले में आई फील के कुछ ऐसी भी जाहिर है चीजें बंदे को डीमोटिवेट करने वाली चीजें आ जाती हैं, एंड इनमें खास तौर पे कुछ ज्यादा ना सही लेकिन आई थिंक एक से दो मैं कह सकता हूँ। एक थोड़ा सा फनी रहेगा, एक थोड़ा सा जो है वो इस तरह से है कि कुछ लोग दरमियान में ऐसे भी आते हैं आपके साथ कि जो आपके साथ प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो बेसिकली आपको आपके साथ ही हैं, लेकिन जैसे ही उनको जो है वो कहीं और शायद फायदा नजर आता है, जैसे ही उनको दरमियान में कहीं जब उनकी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं वो बदल जाते हैं तो फिर वही लोग आपको पहले जो बहुत तारीफें चल रही होती है तो वो ये वाले जो लोग हैं बेसिकली इनका नेगेटिव आपको फिर जब फीडबैक नजर आता है फिर वो लोग आपके आके चैट्स में कमेंट्स में जहां उनको मौका मिलता है। इवन मुझे रिसेंटली भी याद है कि कुछ एक ऐसे इवेंट जब कर रहे थे बाकी कास्टर कर रहे थे मेरा उसमें नाम नहीं था तो आई सॉ एक बंदे ने जो है वो कमेंट में लिखा हुआ था कि अच्छा है कि गेमिंग पोर्टल नहीं है, ठीक है दूसरे बंदे का नाम लिखा साथ ना, तो उसमें जो एक और बंदा है लाइक अब वो बंदा जो एक टाइम पे मेरे साथ चैट में बहुत अच्छा जा रहा है मुझे जो है वो बहुत सही से वो बंदा जो है सपोर्ट कर रहा था एंड बहुत पॉजिटिवली मेरे साथ रहता था, बताने को भी कुछ चीज बताते थे हम जब ओपनली मैं उसकी चीज सुनता था गेम वगैरह खेलना सब कुछ चल रहा था, लेकिन उस बंदा उसको आगे से बोल रहा है कि हाँ अच्छी बात है इस बंदे को मौका नहीं दिया इन्होंने और ये बंदा जो है जब बोलता है तो लगता है कैसे ना जैसे कोई फटा स्पीकर है लाइक ऐसा कुछ वर्ड वगैरह उसने बोला हुआ था, तो वो चीज कर मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी कि यार एक लाइक किस बेस पे आप एक बंदे को जो है दूसरे को जज कर रहे हो कि अब आपकी उसके साथ नहीं बनती है, हालांकि मुझे पता भी नहीं है क्यों नहीं बनती है क्योंकि जिस टाइम तक जब तक मेरे साथ थे तब तक तो बहुत अच्छा उन्होंने बोला,
बहुत अच्छा जो है वो बातचीत वगैरह होती है, लेकिन दरमियान में जाके आप अचानक से ही एक बंदे को बिला वजह से इस तरह का हेट दे रहे हो जिसकी रीजन भी समझ में नहीं आती, बोलते रीजन होगी तो फिर मैं मानता हूँ कि आपने जब सही बोला होगा, क्रिटिसाइज सही किया, लेकिन ये वाला जो था ये इस तरह के लोग आई थिंक जो है वो ज्यादा वो आवाम रहती है जो कि आपको डीमोटिवेट करने पे लगी रहती है, और यही वो लोग हैं जो कि बेसिकली एट द एंड जितना कोशिश कर इग्नोर करो उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर भी है, बिकॉज मैंने तो खैर यही लर्न किया कि जितना इनको मैं देखूंगा उतना ही ज्यादा ये चीज मुझे ओवरटेक करेगी, बिकॉज जब मैंने भी इसको थोड़ा सा ज्यादा सीरियस लेना शुरू किया इस चीज को आप और सब फील yes, तो मैंने खुद भी रियलाइज किया और मुझे फीडबैक भी आया, सीनियर से भी उन्होंने बोला कि आप अगर इसमें जाओगे तो ये तो बहुत सारे लोग करते हैं, फिर अगर आप अपने काम को छोड़ के इन लोगों को देखने लग पड़ोगे तो ये नंबर नहीं कम होने वाला, सो बेटर इज लोगों को बोलने दो, लोगों का काम बोलना है, आपका काम है आप काम करना है, सो आप काम करो। बट देन थोड़ा सा जो फनी वाली साइड थी वो शायद थोड़ा रिलेट कर पाए शायद ना कर पाए, बट लोकल साइड का था एक इवेंट, और उस इवेंट के दौरान जो है मुझे जब मैं स्ट्रीम भी जाहिर कर रहा होता था और कास्टिंग भी कर रहा होता था, तो कास्टिंग से हटके मेनली जब मैं स्ट्रीम जाहिर मेरे पास कंट्रोल है, तो किसी एक टीम के स्पेसिफिक टीम के जो फैन थे उन्होंने कमेंट किया चैट में कि शो दिस टीम और अदरवाइज आई विल अनलाइक एंड डिस्क्राइब यू। अब मैं अब मुझे समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है, लाइक ये उस टाइम में मैं परेशान हो गया, ये हंसी भी आ रही है और ये बंदा क्या बोल रहा है कि इसकी टीम नहीं दिखाऊंगे दिखाऊंगा मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, तो ये बंदा अनलाइक भी कर रहा है धमकी दे रहा है या ये बात कर रहा है यस वो अनलाइक भी करेगा और डिस्क्राइब भी करेगा, क्या डिस्क्राइब का क्या मतलब है यहाँ पे, अभी ये कि वो शायद अनसब्सक्राइब करना चाह रहे थे और वो जब डिस्लाइक तो चले समझ में आ गया, तो खैर ये थोड़ा सा फनी साइड वाला था, लेकिन दूसरा वाला जो था पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी ज्यादा पॉजिटिविटी वाले कमेंट्स आते हैं। ये तो हम सब भी देखते हैं, इसी से एक और बात निकल जाती है, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी एक ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें गेमिंग पोर्टल YTE का अनाउंसमेंट नहीं हुआ एज अ कास्टिंग टैलेंट, हम भी देखते हैं उस टाइम पे अनाउंसमेंट हो रही होती है, आप तो देखते ही होंगे कि आपको जब इतने मेंशन आ रहे हैं जी कोई इवेंट में आप नहीं है एंड अब तो माशाल्लाह से बहुत लोग आपको देखना सुनना चाहते हैं और फिर आपको टैग आ रहे थे वी वांट गेमिंग पोर्टल YTE, ऐसा तो होता है आप भी इस चीज को डिसएग्री नहीं करेंगे, तो आपको कैसा महसूस होता है इस चीज पे? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जाहिर है यही मोटिवेशन है आपके लिए कि आपको जो लोग हैं जब आप कर रहे हो कुछ इवेंट्स, वो कहते हैं कि जब अच्छा टाइम होता है तब उसको तो हर बंदा ही तारीफ करता है, सही है। लेकिन जब आप पे बुरा टाइम आता है आप इन दिस केस आई थिंक मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जब जाहिर है मेरा मैं बैक टू बैक इवेंट्स कर रहा था, तो शायद उस टाइम पे समझ में आता है कि लोग बोल रहे हैं, लोग थोड़ा सा आदि भी हो जाते हैं, लोग उस बंदे के अलावा थोड़ा सा हटके किसी को सुनना भी नहीं चाह रहे होते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स बहुत कम लोग ही चाहते हैं कि वो चीज़ जो चेंज हो, लेकिन जब ऐसे इसके अलावा आप जो है वो देखते हो कि वो आपके जो कुछ फैंस हैं जो लॉयल फैंस हैं आप कर नहीं भी रहे हो, लाइक आपने बेशक कितने भी इवेंट दरमियान मिस किए हो, लेकिन जो उनका प्यार कल था वो आज उनका अभी भी वही है, वो आपको फिर से टैग कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं मैंने जहाँ पे देखा है कि मुझे खुद भी अंदाजा नहीं होता था कि इतने इतना लोग जो है वो टैग कर सकते हैं, इतनी आवाम जो है वो आ सकती है, आवाम जाते थे और इवन बाद का डिफेंडिंग तक बात पहुंच जाती थी कि ये बेहतर है इससे इसको आना चाहिए, कंपैरिजन यस आवाम वहां पे ले जाती थी कि नहीं ये ज्यादा बेहतर है वो जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से कास्टिंग मतलब आप सब चीज को फॉलो अप रखते थे यस मैं उसको देख रहा होता था, लेकिन जाहिर है वो बीइंग ए प्रोफेशनल आप उस पे वो नहीं कर सकते कि आप किसी बंदे के खिलाफ अगर वो बात कर रहा है मैं उसको नहीं भी पसंद करता या मैंने अगर आना भी है तो ऐसा नहीं मैं कर सकता कि मैं जाके उसके कमेंट्स को लाइक कर दूं, उसके कमेंट्स को जाके जो है उस पे उसको अप्रिशिएट करूं कि बहुत अच्छी बात की आपने मेरे लिए लड़ाई कर रहे हो आप, ऐसा नहीं, हम उनको जाहिर उनका जो प्यार है उनकी सपोर्ट है वो अपनी जगह है, लेकिन एट द सेम टाइम जो दूसरे हैं वो भी अपने साथ ही जाहिर है मेरे कोलीग्स हैं वो भी काम करते हैं, हर बंदा ही काम करे आफ्टर ऑल, लेकिन ये जो पॉजिटिव साइड है आपको जो एक सपोर्ट मिलती है बिकॉज मैं आई थिंक 2022 के बाद दरमियान में लाइक इवन 2022 के जो काफी सारे इवेंट्स थे ऑफिशियली अगर आप देखें तो मैं एक बहुत लंबे टाइम तक दरमियान से गायब हो गया था, मैं इवेंट्स नहीं कर रहा था और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दरमियान में हर्ट भी करती थी कि एक टाइम पे मैंने 2021 में स्टार्ट लिया था तो PMCC के बाद मैं PMPL आया एक दरमियान में साउथ एशिया इवन अभी तक का जो एक वाहिद पंजाबी कास्टिंग हुई थी उसमें भी मैंने किया था उसके अलावा कभी दोबारा पंजाबी कास्टिंग भी नहीं हो सका वो वाले इवेंट, फिर दरमियान में एक अपनी नोयत का मीन एंड साउथ एशिया चैंपियनशिप हुआ वो भी मैंने किया था, सो एक आपको जब एक टाइम ऐसा आता है जब आप बिल्कुल सब कुछ अच्छा चल रहा है आपको इवेंट्स मिल रहे हैं आप कोशिश कर रहे हैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की और अचानक से दरमियान में आपको इवेंट्स नहीं मिलते और लगातार आप जो है वो भी इवेंट आया
ठीक है वो भी अब आप नहीं कर रहे, ये आया ये भी आप नहीं कर रहे, वो भी आया वो भी नहीं कर रहे, तो वो दरमियान में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट करती थी चीज की। कोई वजह तो आपको होनी चाहिए ना इस चीज की, कोई वजह नजर नहीं आ रही है आखिर ऐसा क्या, या तो मुझे ये हो कि मेरी जगह कोई दूसरा बंदा आ चुका है, ऐसा नजर भी नहीं आ रहा है वहां पे, लेकिन स्टिल वो चीज है वो नहीं हो रही होती थी, उसको शायद लिमिटेड कर दिया गया, आई डोंट नो क्या बैक थॉट डिसीज चल रहा था, लेकिन ये एक फेज था जो मुझे काफी हद तक डिसार्ड भी करता रहा, लेकिन अगेन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस फेज को भी भुला के मैं अच्छे साइड पे आ जाता था कि यार कोई बात नहीं, ये वाले नहीं मिला अगला मिल जाएगा, ये नहीं मिला अगला मिल जाएगा, कोई मसले की बात नहीं, बिकॉज आफ्टर ऑल मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली भी इस चीज को मैं इसे रिलेट कर सकता हूँ कि पीएमएल पाकिस्तान हुआ, पीएमएल साउथ एशिया चैंपियनशिप हुआ, मैं दोनों में नहीं था, मैं दोनों के कास्टिंग पैनल में नहीं था, लेकिन पीएमएल पाकिस्तान के मिड में मुझे जो है वैसे पाकिस्तान में सॉरी नहीं लेकिन साउथ एशिया चैंपियनशिप में इसमें मुझे जब मिड में ही जो है वो कहा गया कि आपको जो है अवेलेबल रहने, और अचानक से मैं जहाँ पे था भी नहीं, कोई आइडिया था भी नहीं, अचानक से मिड में वहां पे जो है वो फाइनल्स की बड़ी स्टेज भी मेन स्टेज के लिए, फिर वो मैंने मौका मिला, किया भी वो मैचेस, तो वो इवन मुझे जब ये चीज सुनने को मिली कि जो सात वाले जो कास्ट थे उन्होंने भी लाइक अपना फीडबैक दिया, तो वो आई थिंक काफी लोगों का रहेगा वही स्टेटमेंट रहेगी, बोला समझ में नहीं आता यार कि आप जो है वो टूर्नामेंट में होते नहीं हो बट ऑल ऑफ अ सडन आपकी जगह बन जाती है, ये क्या वजह है, कैसे हो जाता है। मैंने कहा तो अल्लाह ताला को पता है बेहतर, मुझे तो कुछ इसका नहीं पता है, क्योंकि मैं तो खुद मेरा इस पे कोई मुझे नहीं था, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन अचानक से ये अपॉर्चुनिटी बनी और बस ये वही बात ना कह रहे थे कि अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे वहां से खुलते हैं जहां से आपको गुमान भी ना हो। बिल्कुल, चले आपने मतलब अपना एक बताया ना रफ पैच आया था वो 2022 ही साल, यस 2022, उसके बाद से तो माशाल्लाह से फिर 2023 भी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए भी बहुत पॉजिटिव साबित हुआ और आपके लिए भी ना जी, तो ये रफ पैच जो आपका आया है 2022 का जिसमें आप कह रहे थे ऑफिशियल कास्टिंग इतना ज्यादा आपको नहीं कंसीडर किया जा रहा था जी, तो इसमें आपने डाउन भी फील किया जैसे कि आप खुद भी बता रहे हैं, तो आप इस चीज को किस तरीके से कन्वर्ट करते थे, अपने आप को किस तरीके से मसरूफ रखते थे, क्या रूटीन बन के आती थी, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी जो मसरूफियत है अभी आपके पास वो ही नहीं है, तो आपका क्या डेली लाइफस्टाइल बनता था उस टाइम पे? मैं एक्चुअली अपने इसके अलावा जो था कास्टिंग साइड के अपने आप को इस तरह से कोशिश करता था कि मैंने जो है वो जस्ट एक साइड में लिमिटेड नहीं रहना है, लाइक मैंने सिर्फ कास्टिंग नहीं करते रहना है, तो मैं हाँ जी मैं एक्चुअली जिस तरह से स्टार्टिंग जाहिर है मैं इसको सोचता था बार बार, मैं इस पर ना रीथिंक करता था, जब भी मुझे इस तरह का फेज आता था मैं रीथिंक करता था कि एक वो भी टाइम था जब मैं नहीं था तब भी चीजें चल रही थी, अब ये टाइम पे कि अगर अभी मैं कर नहीं करूंगा जाहिर तब भी चीजें चलेंगी, तो वो जब मैं ये चीज सोचा था कि जब मैं एक्चुअली इसमें नहीं था तो उस टाइम पे मैंने किससे स्टार्ट लिया, मैंने ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट लिया था, मैंने एक अपनी ऑडियंस के थ्रू लिया स्टार्ट लिया था, वहां पर ऑडियंस कनेक्टेड हुई मुझे उसी के थ्रू ही जाहिर है बाकी अपॉर्चुनिटीज मिली, सो मुझे क्यों ना उस चीज में ज्यादा वर्क करना चाहिए रादर देन दैट कि मैं जो है वो इस चीज में इंतजार में बैठा रहूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी दो, मैं क्रिएट क्यों नहीं करूँ इस चीज को, तो मैं उस चीज पे जाता था क्रिएट करने पर, तो उस चक्कर में उस जो है वो चीज के पीछे जाते जाते मैंने लाइक जो सोशल हैंडल्स से इंस्टाग्राम हो गया इस पे थोड़ा सा ज्यादा वर्क दरमियान में जब भी मुझे टाइम मिलता था इस तरह के जब भी फेजेस आते रहे उनमें ज्यादा मैं उन पे एक्टिव हो जाता था, तो वो ऑटोमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह वहां से रिस्पांस भी अच्छा आता था, उन पे रीच मिलती, तो वो जो नेगेटिविटी थी वो फिर इस वजह से थोड़ा कम हो जाती थी, फिर उसके अलावा देन अगेन बाकी यूट्यूब से हटके और जितने प्लेटफॉर्म हो सकते थे उनको भी कोशिश किया, लाइक टिकटॉक हो गया, जहां जहां हो सकता था हर जगह पे कि आप उन्हें देना बस अपना अपना बेस्ट देना है, कुछ भी करके जो टाइम है ना ये टाइम है तो नेगेटिव वाला ही फेज है, तो बहुत मेरे लिए तो खैर दुखी मैं बोलूंगा वही फेज है, दुख वाला फेज है, लेकिन कोई बात नहीं वक्त तो गुजर ही जाएगा ना, है तो वक्त ही ऑब्वियसली एट द एंड ये वाला टाइम जो है वो जहाँ पहले गुजार दिया आगे वाला भी टाइम गुजार देंगे, तो खैर इवन एट टाइम ऑफिशियल से हटके दरमियान में लोकल इवेंट्स भी चलते रहे, सो ऐसा नहीं कि बिल्कुल टोटली फ्री हो जाता था, लेकिन यही रीजन यही चीज होती थी कि मैं बस नेगेटिविटी को नहीं बल्कि काम को अपने एफर्ट को ज्यादा किसी और जगह पे यूटिलाइज करने में बिलीव करता था और मैं उसी चीज पे जा रहा था। ये वैसे आपस की बात है, मैं भी ऐसे ही करता था कि मतलब ना थोड़ा सा आपको तवज्जो लेनी पड़ती, मैं भी हूँ मुझे मिस आउट नहीं करूँ ना जी, तो यही चीज मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था, मुझे लग रहा था आप थोड़ा सा कहेंगे कि मैं कहीं और मसरूफ हो गया कुछ दूसरे काम शामिल, तो मतलब आपने क्या अपना जहन बनाया हुआ है कि आपको लग रहा है कि आपकी ये जो भी पैशन चल रहा है आप इसी पैशन को मजीद और ओवर द ईयर एज अपना प्रोफेशन बना के चल सकते हैं? आई थिंक इस पे मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि ये इन टर्म्स ऑफ एक गेम अगर आप देखेंगे तो जाहिर है बहुत लिमिटेड है। हाँ, रिस्की है। यस, अगर हम अपने ओवरऑल परसेप्शन को देखें तो यही बिल्ड हो चुका है और हर बंदा सोचता भी यही है कि सिर्फ पबजी है तो तभी चीजें
चलेंगी, इसके बाद दुनिया खत्म है लाइक गेमिंग की. लेकिन ऐसा नहीं है, आपका जो गेमिंग है वो लिमिटेड नहीं है. आप बाहर के लोगों को देखते हो, आपको रियलाइज होता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी गेम्स हैं, और एक गेम आती है दूसरी आती है. सो हर किसी का एक टाइम है. बस आपका जो इसमें मेन जो चीज़ है, इनपुट है, दैट इज कि आपकी कास्टिंग, आपका जो एक अपनी आप प्रोफाइल बना रहे हो, प्रोफाइल बिल्डअप कर रहे हो, आपने उस पर जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना है. सो कहीं ना कहीं नो डाउट ये चीज़ फेयर फैक्टर भी है कि होता है हर बंदे के दिल में कि पबजी जाहिर आपको कम्युनिटी एक साइड पे जानती है, एक साइड पे लोग जो है उन्होंने उनके उनके अंदर आपने जब अपना ट्रस्ट बिल्ड किया है, मेहनत आपने इस चीज़ पे की है, और ऐसे दरमियान में सडन मूवमेंट अचानक से आ जाए तो जाहिर है बहुत बड़ा भी डाउनफॉल तो रहेगा आपके लिए, क्योंकि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज पहले ज्यादा होंगी, जाहिर है कोई नई चीज आएगी तो उसमें बाकी लोग भी पुश करने की कोशिश करेंगे, फिर वहां पे भी आपके लिए जो विंडो है वो तंग हो सकती है, और हो सकता है कि वहां पे ऑलरेडी कुछ लोग मौजूद हो. तो कहीं ना कहीं खैर फियर फैक्टर है भी, कहीं कहीं ना कहीं नहीं भी रहता है. बिकॉज मैं तो खैर इसको अपनी जेन में ये चीज रखी हुई है कि पबजी मोबाइल जब तक है ऑल गुड, लेकिन खुद को लिमिटेड नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ पबजी एज अ कास्टर ही नहीं हूँ मैं, जाहिर है यूट्यूब भी चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जाहिर उसका भी कुछ ना कुछ फिर साइड प्लान्स आ जाते हैं. बात ही नहीं की जी. सो उस पर भी कहीं ना कहीं दिन चले जाता हूँ कि खैर है कोई बात नहीं, इससे हटके वो भी एक अलग ऑप्शन है. सो ऑप्शंस तो मल्टीपल हो सकती है, बस यही है कि वो जो भी टाइम की जरूरत है बस उस हिसाब से चलते चलता जाए. अपनी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन आपने जो स्टार्ट की है जीपीए, उसका बताएं उसके पीछे क्या बैक थॉट्स थी, आपको क्यों जरूरत पड़ी ये स्टार्ट करने के लिए? जीपीए के पीछे ज्यादा वैसे रीजन कोई खास थी नहीं उस टाइम पे, क्योंकि ये अचानक से ही बनी थी जीपीए, और ये बेसिकली स्टैंड करता था गेमिंग पोर्टल आर्मी से. तो ये क्योंकि मेरा बहुत मैं उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में मैंने जो है ये अपना टैग यूज किया था गेमिंग पोर्टल आर्मी का, तो बस उस टाइम से ही मेरे जेन में चीज थी कि जब भी होगा जाहिर है यही टैग चलेगा. अब मोस्टली अभी भी लोगों को जीपीए पता है तो उनको ये नहीं पता होगा जीपीए से बनता गया, फुल फॉर्म नहीं पता, वो कहते हैं जीपीए में से जी तो पी गेमिंग पोर्टल हो गया, ये ए से क्या बन रहा है, कोई बोलता है अलायंस बन रहा है, कोई बोलता है कुछ बन रहा है, यस अपने पे बना रहे थे. तो वो जब भी उनको बताओ कुछ हंसते हैं कि बोलते हैं ये आर्मी कौन सी आ गई, अटैक करने के लिए आर्मी आ गई है भाई, तो आपने ये क्या नाम जो है आप सोच के रखा है, रैंडम ऐसे ही एक आया था दिन में, तो कोई खास नहीं था, बस ऐसे ही क्योंकि वो पबजी मोबाइल है जाहिर उसमें आर्मी टाइप ही एक थोड़ा सा टच आ रहा था, लड़ाई वाली बात है, तो उस टाइम पे बस जो है वो कर दिया, जो उस दिन में जो सही लगा कर दिया कि लड़ाई वाली बात चीज है तो गेमिंग पोर्टल आर्मी कर देते हैं. लेकिन उसके प्रॉपरली आई थिंक एज एन मेनली तो एज अ टीम ही स्टार्ट किया था, लेकिन जो अपना टूर्नामेंट्स के बाद हालांकि करवाया मैंने 2019 वाला इवेंट था, उस टाइम पे जीपीए वाकई एज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर रही थी. लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉबली ये आप कह सकते हैं शायद 2 साल बैक जाएगी, मे बी 2021 के एंड तक और 2021 के ही जो है वो कुछ टाइम के अंदर मैंने इसको किया था, क्योंकि दरमियान में कुछ पहले डिस्कॉर्ड सर्वर बना लिया, उसमें स्क्रिम्स कुछ जो है वो करवाना शुरू किए, वहां से देखा पहले जीपीए जो है उसका जो है नाम रखा हुआ था सिंपल गेमिंग पोर्टल, कुछ इस तरह का एक स्क्रिम आर्मी स्क्रिम रख दिया था, फिर उसके बाद जाके उसको रीनेम करके जीपीए स्क्रिम्स पाकिस्तान कर दिया. सो वो नाम भी चेंज होता गया ओवर द टाइम, और उसके बाद फिर पहले सिर्फ डिस्कॉर्ड तक लिमिटेड थे, ज्यादा कुछ अंदाजा था नहीं कि इसको किस तरह से एक्सपैंड करना है, और जैसे जैसे आइडियाज आते हैं जैसे देखा कि बाकी लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हैं, वो टूर्नामेंट भी करवाते हैं प्रॉपरली, अपनी जो है पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं अपने सोशल, ये मेनली इंस्टाग्राम जाहिर आजकल ज्यादा लोग जो इस्तेमाल करते हैं प्लेयर्स की, वहाँ पे जो उनकी मॉन्टाजेस आईटी सब कुछ मोस्टली जिसने भी पबजी के रिलेटेड देखना है उन सबको ये होता है कि हम इंस्टाग्राम पे जाके बस अपना जो वो देख लेते हैं, और बैटल भी चल रही होती है जाहिर इसके फॉलोअर इतने इसके फॉलोअर इतने चल रहे हैं, तो वो क्या यस कॉम्पिटिशन. लेकिन इसमें आई थिंक अगेन जिस तरह से मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स बाकी किए थे इंस्टाग्राम का जीपीएस क्रिम्स का मेरा एक्सपेरिमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया था, क्योंकि जब मैं अभी भी देखता हूँ तो बीइंग दैट लाइक ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी जो कि सिर्फ स्क्रिम्स करवाती रही है इन पर्टिकुलर को, ज्यादा हमने टूर्नामेंट्स हम गए नहीं है, जाहिर है आपने भी साथ साथ इसको जो है वो एक्सपीरियंस तो किया ही है. तो उसमें जब मैं फॉलोअर्स की बात करता हूँ लाइक रीच की बात करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्गेनिक जो रीच है वो नजर आती है, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो बाकियों से बहुत सही है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकियों से बहुत ज्यादा ही है, और नॉर्मली इवन मुझे अब अपने जो है वो जो मैनेजर है उनसे भी सुनने को मिलता है लड़के से कि अब जो है अक्सर औकात मुझे कोई रैंडम बंदा मिल जाता है गेम में तो वो मुझे कहता है लाइक वो ये नहीं बोलते कि गेमिंग पोर्टल के ये जो स्क्रीन जो मैनेज करता है बंदा, बोलते जीपीए का जो मैनेजर है वो ये है,
लाइक वो जो नाम है वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में पड़ा हुआ है. लोगों को जीपीए का मतलब नहीं भी पता होगा, लेकिन वो अगर मुझे नहीं लोग जान रहे तो उसका भी फायदा हो रहा है उस बंदे का भी. वो मुझे आगे बता रहा था कि देखो नाम तो है, नाम से फर्क तो पहचान तो बन गई है कि हालांकि हम ज्यादा नहीं उसमें गए हुए, लेकिन स्क्रिम्स होने के बावजूद वो जो रीच है वो हमारे पास है. ये मतलब ये भी एक एज एन अचीवमेंट में आ जाता है कि अपनी कास्टिंग जर्नी के साथ साथ आपने एक जीपीए एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी लेके चल रहे, और फिर बीच में आपकी टीम ने भी एक ऑफिशियल इवेंट में क्वालिफाई किया था. उस टाइम भी हमने देखा था कि काफी अच्छा जीपीए का रुझान बढ़ रहा था. जी ये ऑब्वियसली अभी रिसेंट इवेंट ही है, ज्यादा टाइम हुआ नहीं इसको. तो इट वाज पीएमएनसी 2022 जो मैंने जो है वो जाहिर है जिसमें खुद भी कर रहा था कास्टिंग और टीम जो है उसमें क्वालिफाई भी किसी तरह से कर गई थी. तो खैर जाहिर है नॉर्मली जो परसेप्शन चल रहा होता है वो यही चलता है कि कोई भी ऑफिशियल इवेंट आएगा तो आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी इसी तरह से है कि हैकर्स आएंगे और मार देंगे तो कोई फायदा नहीं है. तो मेरी टीम के जहन में ये चल रहा होता था कि फायदा नहीं है, छोड़ो जाना क्या. ऐसे पीएमसीयू में हर दफा ऐसा ही होता है, हम लोग कोशिश करते हैं, दरमियान में हैकर्स आते हैं और टाइम ज़ाया हो जाता है. लेकिन खैर पीएमएनसी से पहले इनके साथ एक ऐसा थोड़ा सा इनको अलार्म करने वाली सिचुएशन बनी थी जिसके बाद थोड़ा ये सीरियस हुए थे. एंड दैट वाज कि मिड में ही जब पीएमसीयू हुआ तो इनके साथ ये हो गया कि इन लोगों ने पीएमसीयू के कुछ मैचेस खेले और कुछ दरमियान में जा खेलना छोड़ दिया टीम ने. तो और उसके बाद ये था इनके जहन में कि जाहिर है यहाँ से जाना तो ऊपर टॉप वाली टीम्स और सारे वो हैकर बैठे हैं, जो उनके मुताबिक था कि मोस्टली तो हैकर्स बैठे हैं वहां पे, तो ये तो क्वालिफाइड है, कंफर्म है. ये जो कुछ स्लॉट्स हैं लाइक अंडर 50 अंडर 30 है जो भी है इनमें हमारा नाम नहीं आने वाला. बट उनके साथ हो ये गया कि जो बाद में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था वो बढ़ा के ज्यादा टीमें आगे चली गई और इनको बाद में फील हुआ कि अगर हम थोड़ा सा एफर्ट कर लेते तो हम जा सकते थे आगे. हमने तो मैचेस खेलना छोड़ दिए थे. सो हमें तो ये था कि ये तो सिर्फ चंद टीमें जा रही हैं, वो तो हैकर्स हैं, तो हमारा तो टाइम जाया हो गया, तो फायदा नहीं है छोड़ो. लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि नहीं आखिर तक आपको जाना चाहिए, तो फिर वो बस आई थिंक ये शायद इनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली. खुद भी इनको जाहिर जितना होता था कोशिश कर रहा होता था कि थोड़ा प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट रखना चाहिए कि कभी भी आपने नीचे नहीं होना है. तो इस वजह से भी करके खैर जो है मैंने जब प्लेयर्स को जो पीएमएनसी में जब उन्होंने प्ले करना स्टार्ट किया, क्वालिफाइज वगैरह खेले उन्होंने, देन ऑब्वियसली फिर रिजल्ट ऐसा ऐसा निकलना स्टार्ट हुआ. फिर उनके थोड़ा सा हेल्प उनको इस तरह से मिल गई कि एक जो लोकल और टीम थी उनके जो एक प्लेयर थे वो उस टाइम पे खुद नहीं खेल रहे थे, बट वो बैक एंड पे टीम के साथ इनके साथ फ्रेंडशिप होने के उनके हेल्प आउट कर रहे थे. मुझे भी इसका अंदाजा नहीं था कि वो इनके साथ थोड़ा सा काम का हेल्प आउट कर रहा है, इन सेंस ऑफ कि आपको कोच टाइप डायरेक्शन देने में, डायरेक्शन दे रहे हैं, वो इनको बता रहे हैं आपने इस जगह पे ड्रॉप लो, आपकी ये थोड़ी सी जो है वो गलतियां कर रहे हैं, गाइडेंस मिल रही थी. तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि लाइक कोई दूसरे का भला भी सोच सकता है. हालांकि छोटा लेवल है, कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन चलो अगर कोई सोच रहा है इनका तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसे दोस्त भी इनके जो है एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन पीएमएनसी में फाइनली जब वो इन्होंने किया तो आई थिंक सो शायद कहीं ना कहीं जब भी जाहिर ही चीज आती है फिर सोचते हैं प्लेयर्स थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते हैं कि हम फाइनल में जा सकते थे, फ्लैशबैक मेमोरीज आती है, फाइनल में जा सकते थे, जैसे दो स्लॉट से रह गए, दो स्पॉट से रह गए. लेकिन एट द एंड आई थिंक मैं फिर जो पॉजिटिव इस पे बोलूंगा वो यही था कि नो डाउट प्लेयर्स ने ट्राई किया था, प्लेयर्स ने मेहनत की थी, और अगर फेयर इवेंट्स होंगे तो जाहिर है जीपे की तरह और भी जो टीम्स हैं जो भी डिजर्विंग है वो तो ऊपर आएगा, ऊपर आएगी. चलिए अबू बकर हमें बस एंड करते करते एक शॉर्ट मैसेज दें, नॉट एज गेमिंग पोर्टल बट एज अबू बकर, के आप पाकिस्तान ईस्पोर्ट्स कम्युनिटी को और किस तरफ से जाते हुए देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसका क्या और आगे आने वाले सालों में रुझान रहेगा? आई थिंक इसका मैं यही कह सकता हूँ कि आगे आने वाला टाइम इंशाल्लाह और बेहतर होगा, क्योंकि ओवर द टाइम हमने इम्प्रूवमेंट देखी हैं. और पबजी से अगर आप हट जाते हैं तो मेनली इसकी एग्जांपल विल बी टेकन, जो कि अभी अगर आप पबजी के मुकाबले में चले जाओ तो आज से पबजी जब से आई उस टाइम पे तो खैर वो उतना उसका खास नाम नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन एक इवेंट विन करना एक प्लेयर का, एक बड़े इवेंट तक पहुंच जाना क्या करता है पूरे का पूरा जो परसेप्शन है, पूरे के पूरे जो सपोर्ट है बैक साइड से वो चेंज कर देता है, क्योंकि वो वर्ल्ड स्टेज थी, वो जाहिर सब लोगों ने सब कंट्रीज ने आपको देखा, फिर पाकिस्तानी फ्लैग जब राइज हुआ, तो आई फील कि वही एक चीज है कि इंशाल्लाह जैसे वो एक गेम का हमने जो एवोल्यूशन देखी है इस तरह से पबजी भी नो डाउट इंशाल्लाह ऊपर जाएगी, बल्कि ओवरऑल आपकी जो बाकी गेम्स हैं लाइक फ्री फायर में भी काफी प्लेयर्स हैं वो मेहनत कर रहे हैं, और भी जो गेम्स हैं उनमें होगा इम्प्रूवमेंट आएगी. जस्ट आपको एक चीज करनी चाहिए कि अक्सर जो मोस्टली प्लेयर्स करते हैं वो ये गलती करते हैं जिसको मुझे मैं गलती बोलूंगा कि आप इतना पहले टाइम देते हो और जब फल मिलने वाला होता है
तब आप गिव अप कर आप उसको जो गिव अप करके चले जाते हो। तो वो होता क्या है कि एक्चुअली आपको बैक साइड से लोग आते हैं, जो मेहनत आपने की होती है वो बैक वाला बंदा आता है फल तोड़ता है और वो खा के चला जाता है। सो आपको इसमें गिव अप नहीं करना चाहिए, और प्रोबेबली इंशाल्लाह अगले 2 साल में भी ऐसा ही होगा कि जो अभी सिचुएशन है हमारी, इंशाल्लाह इसका आप डबल और मे बी सुपर हम कह सकते हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग ये चीजें होंगी। वेल पोर्टल, आपके साथ काफी अच्छा वक्त गुजरा, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस, बहुत अच्छे आपके जो सारे मुवाजने थे हमें सुने। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट और पॉडकास्ट में बुलाएंगे और मजीद और आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गेमिंग पोर्टल फॉर रैपिड फायर, तो क्या आप तैयार हैं? आई होप सो। व्हिच इज योर फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन, TCW, मीटर शॉट, स्काईलाइन गेमिंग या तो फिर NB9? स्काईलाइन। होस्टिंग एन इवेंट, एन ईस्पोर्ट्स इवेंट और कास्टिंग एन इवेंट, व्हिच वन यू प्रेफर? कास्टिंग। टी और कॉफी? टी। फेवरेट ऑफ ऑल टाइम, पैराबॉय, एक्शन, रहमान या फिर क्रिप्टो? प्राइम रहमान, करंट क्रिप्टो। फेवरेट टीम फ्रॉम पाकिस्तान, स्टार, क्वर्टी, बबलू या तो फिर Agon X i8? Agon i8। हु इज योर फेवरेट कास्टर एक्सेप्ट योरसेल्फ, आरजी जवाद, अलादीन, एसन या तो फिर किस गेमिंग? किस गेमिंग। वर्स्ट ट्रांसफर ऑफ अ प्लेयर, क्यूवर्टी ग्रेविटी टू आयर ग्रेविटी, आर्टवीजी जॉनी टू आयर जॉनी, बबलू जिबियान टू मैग्नस जिबियान, क्यूवर्टी डिस्ट्रॉयर टू टीजी डिस्ट्रॉयर? क्यूवर्टी डिस्ट्रॉयर टू टीजी डिस्ट्रॉयर। व्हिच वन यू प्रेफर, गोइंग आउट टू अ डेट और कास्टिंग एन इवेंट? कास्टिंग एन इवेंट। व्हिच वन यू प्रेफर, गिविंग टाइम टू योर फ्यूचर हाफ और होस्टिंग एन इवेंट? होस्ट कर देंगे। वेल, हमारे साथ मौजूद थे गेमिंग पोर्टल फॉर दिस पॉडकास्ट, होप सो आप लोग ने ये सेगमेंट भी एंजॉय किया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।